सकलोचारार्थ गंधाक्षत समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। वंदौ सद्गुरु के चरण जप कृष्ण कृपा सो प्यार। कृष्ण कृपा तन मन बसी कृष्ण कृपा आधार। कृष्ण कृपा सम बंधु नहीं कृष्ण कृपा समता। कृष्ण कृपा सम गुरु नहीं कृष्ण कृपा सम मात। रे मन कृष्ण कृपा अमृत बरस रहो दिन रे। कृष्ण कृपा से विमुख तू कैसे पावे चैन। नित उठ कृष्ण कृपा अमृत पाठ करे मन लाए। भक्ति ज्ञान वैराग संग श्री कृष्ण कृपा मिल जाए। आशा कृष्ण कृपा की राख जोनी कटे 84 लाख। कृष्ण कृपा जीवन का सार करे तुरंत भव सागर पार। कृष्ण कृपा जीवन का मूल खिले सदा भक्ति के फूल। कृष्ण कृपा के बल बल जाऊं कृष्ण कृपा में सब सुख पाऊं। कृष्ण कृपा सत चित आनंद प्रेम भक्ति के मिले सुगंध। कृष्ण कृपा बिन शांति न पावे जीवन धन्य कृपा मिल जावे। सिमरो कृपा कृपा ही ध्यावो गाए गाए श्री कृष्ण रिझाओ। अस में होए नहीं कोई हानि कृष्ण कृपा जो पावे प्राणी। वाणी का संयम बने जग अपना हो जाए। दीन काल चहु दिशी में कृष्ण ही कृष्ण लखा। कृष्ण कृपा का कर गुणगान कृष्ण कृपा है सबसे महान। सोवत जागत विसरे नाही कृष्ण कृपा राखो उर माही। कृष्ण कृपा मेटे भव बीत कृष्ण कृपा से मन को जीत। आपद दूर दूर ते भागे कृष्ण कृपा के नित जो जागे। सोवे कृष्ण कृपा ही कह कर ही आनंद बोध ही भर कर। खोटे सपन तहां को नाही कृष्ण कृपा रक्षक निशिमाही। खावे कृष्ण कृपा मुख बोल कृष्ण कृपा कह जग में डोल। कृष्ण कृपा कह पीवे पानी परम सुधा सब होवे वाणी। कृष्ण कृपा को चाह कर भजन करो निष्काम। प्रेम मिले आनंद मिले होवे पूरण का। कृष्ण कृपा सब काम संवारे चिंताओं का भार उतारे। ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार कृष्ण कृपा से हो निस्तार। कृष्ण कृपा शशि किरण समान शीतल होए बुद्धि मन प्राण। कोटि जन्म की प्यास बुझावे कृष्ण कृपा की बूंद जपावे। कृष्ण कृपा की लो पतवार झट हो जाओ भव से पार। कृष्ण कृपा के रहो सहारे जीवन नैया लगे किनारे। कृष्ण कृपा मेरे मन भावे कृष्ण कृपा सुख सम्मति लावे। कृष्ण कृपा की देखी रीत बढ़े नित्य का ना संग। कृष्ण कृपा के आसरे भक्त रहे जो को। वृद्धि होए धन धान की घर में मंगल हो। कृष्ण कृपा जग मंगल।
मंगल करनी कृष्ण कृपा ते पावन धरनी तीन लोक में करे प्रकाशा कृष्ण कृपा कह दिए उसासा कृष्ण कृपा जग पावन गंगा कोटि पाप करती क्षण भंगा कृष्ण कृपा अमृत की धार जीवत परमानंद अपार कृष्ण कृपा की रंगत प्यारी चढ़े प्रेम आनंद कुमारी उतरे नहीं उतारे कोई कृष्ण कृपा संग गहरी हो मीरा गणिका सदन कसाई कृष्ण कृपा ते मुक्ति पाई व्याध अजामिल गीध अजान कृष्ण कृपा ते भय महान भ्रमित जीव को चाहिए कृष्ण कृपा को पाए निश्चित हो जीवन सुखी सब संशय मिट जाए कृष्ण कृपा अविचल सुख धाम कैसा मधुर मनोहर नाम श्यामा श्याम निरंतर गावे कृष्ण कृपा सहज ही मिल जावे यावे कृष्ण कृपा लोलाय सुरति दशम द्वार चढ़ जाए दिखे श्वेत श्याम प्रकाश पूरण होए जीव की आस नाश होए अज्ञान अंधेरा कृष्ण कृपा का होए सवेरा तेरा जन्म मरण का छूटे कृष्ण कृपा का आनंद लूटे कृष्ण कृपा ही है दुख भंजन कृष्ण कृपा का भव बंधन कृष्ण कृपा सब साधन का फल कृष्ण कृपा है निर्बल का बल तीन लोक त्यों काल में बैरी रहे न को कृष्ण कृपा ही कृष्ण भरोसे हो कृष्ण कृपा ते मिटे दुरासा राखो कृष्ण कृपा की आसा कृष्ण कृपा ते रोग नसावे दुख दारिद्र कभी पास न आवे कृष्ण कृपा में ते अज्ञान आत्म स्वरूप का हो रे भान कृष्ण कृपा ते भक्ति पावे सदा दास बन जावे कृष्ण नाम है जीवन हार कृष्ण कृपा से हो भव पार कृष्ण कृपा ही नहीं आते पार लगे पल में भव देरी कृष्ण कृपा ही सच्चा मीत कृष्ण कृपा से ले जग जीत मात पिता गुरु बंधु जान कृष्ण कृपा ते नाता मान काल आए पर मीतना सुतदारा और मित्र सदा सहाय श्री कृष्ण कृपा मंत्र है परम पवित्र कृष्ण कृपा बरसे घनवारी भक्ति प्रेम की सर से क्यारी कृष्ण कृपा सब दुख नसावन होवे तन मन जीवन पावन कृष्ण कृपा आत्म की भूख सेवा से ना जाए सुख कृष्ण कृपा ते चिंता नाही कृष्ण कृपा ही सच्चा साई कृष्ण कृपा दे सत विश्राम बोलो कृष्ण कृपा निशिया कृष्ण कृपा बिन जीवन व्यर्थ कृष्ण कृपा ते मिटे अनर्थ होए अनर्थ न जीव का कृष्ण कृपा जो पास राखो हर पल हृदय में श्री कृष्ण कृपा किया राखो हर पल हृदय में श्री कृष्ण कृपा किया कृष्ण कृपा करो 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 कृष्ण कृपा करो
राधे कृपा करो, 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 सद्गुरु 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 कृपा करो, मो पे कृपा करो, मो पे कृपा करो, मो पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, मो पे कृपा करो, मो पे कृपा करो, मो पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो, राधे कृपा करो, श्री राधे कृपा। कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण, श्री कृष्ण कृपा करो सब विधि हो कल्याण, श्री कृष्ण कृपा विश्वास मम, श्री कृष्ण कृपा ही प्यास रहे, हर पल हर क्षण मुझे श्री कृष्ण कृपा की आस, श्री राधा मम बाधा हरो, श्री कृष्ण करो कल्याण, युगल छवि वंदन करो जय जय राधे श्याम, भला बुरा जो कुछ भी हूँ आपका हूँ सरकार, नाथ पकड़ लो हाथ मेरा डूब न जाऊं मझधार, बार बार वंदन करूं तब चरणन में नाथ, बहुत जन्म के पीछुड़े अब नहीं छूटे साथ, दीन बंधु हे दीनाना जीवन की डोरी तेरे हाथ, तेरे चरणों में झुका है हाथ, रखो सिर पर मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा बार बार प्रणाम। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन, प्यारे ठाकुर श्री श्री रमण बिहारी जू, श्री श्री कृपा बिहारी जू को वंदन नमन, जिनकी कृपा जिनका स्नेह सदैव नई प्रेरणाएं देता रहता है और सतत एक पाथे बना रहता है, बना रहे, ऐसे पूज्यपाद कार्ष्णी महाराज श्री
जो श्रोता दीर्घ में बैठकर श्रवण परंपरा को हम सबकी प्रेरणा के रूप में उपस्थित रहते हैं, ऐसे पूज्यपाद महाराज श्री को वंदन। आज से पंच दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता वार्ता का सत्र प्रारंभ हो रहा है। सौभाग्य से प्रारंभ में यहाँ पूज्यपाद मलुकपीठ हरीश्वर जी महाराज वास्तव में संत परंपरा की सौम्यता दिव्यता अपने में लिए हुए और जिनके श्रीमुख से हम सब ने नवरात्रों के पावन 9 दिनों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अत्यंत गूढ़ रहस्य सहज भाव से श्रवण करने का आनंद लिया, ऐसे पूज्य महाराज श्री के प्रति वंदन। और प्रारंभिक आशीर्वाद से ही प्रारंभ हो, पूज्य महाराज श्री आज या समापन जैसा भी होगा, लेकिन मलुकपीठाधीश्वर जी महाराज का आशीर्वाद प्रारंभ में उनकी श्रीवाणी से हमें प्राप्त हो और तब विधिवत श्रीमद् भगवद गीता सत्र में प्रवेश करने की पूज्य महाराज श्री से अनुमति लेते हुए हम विधिवत प्रवेश करेंगे। निवेदन पूज्य मलुकपीठाधीश्वर जी महाराज से, मंच पे कृपा करें तो या वहीं से। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके कृपा बिहारी के, हम हो चुके कृपा बिहारी के। हम हो चुके भगवद गीता के, हम हो चुके भगवद गीता।
ताके हम हो चुके सदगुरु प्यारे के हम हो चुके सदगुरु प्यारे हम हो चुके नंद दुलारे के हम हो चुके नंद दुलारे के श्री रमण बिहारी लाल की जय श्री कृपा बिहारी लाल की जय त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा महारानी की जय श्री मायापुरी हरिद्वार की जय कुंभ महापर्व की जय श्री गुरु कार्ष्णी कुंभ मेला शिविर की जय श्री मनसा देवी की जय श्री चंडी देवी की जय श्री दक्षेश्वर महादेव की जय परम पूज्य श्री महाराज जी की जय सब संतन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरि शरणम समस्त वेदादि शास्त्रों का उपनिषदों का सार सर्वस्व भूत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता को साष्टांग प्रणाम करते हुए व्यासासन पर विराजमान होकर श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य प्रसाद हम सबको वितरित करने के लिए जो विराजमान हैं ऐसे पूज्य श्री कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम हम सबके अभिभावक संरक्षक सदगुरु स्वरूप परम पूज्य श्री रमण रेती महाराज जी के युगल श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम सभी पूज्य यति वृंदों को प्रणाम सभी विप्र वृंदों को प्रणाम किसी भी साधक में किसी भी प्रकार के वैशिष्ट्य का प्राकट्य समर्थ सद्गुरु के अनुग्रह के बिना प्रकट नहीं होता और दास को दर्शन का सौभाग्य तो नहीं मिला पर श्री कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना कि आपके पूज्य सद्गुरुदेव अनंत श्री समलंकृत श्री पूज्य स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज एक ही स्थान पर एक ही आश्रम में लगभग 40 वर्ष तक है? 50 वर्ष तक जिसे हम चित्तवृत्ति का सर्वथा निरोध करें योगश चित्तवृत्ति निरोधा सर्वथा अंतर्मुख हो करके निषद में कहा गया इंद्रियों की प्रवाहमान स्वाभाविक रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर जो प्रवृत्ति है उसे जो अंतर्मुख कर लेता है उसी को धीर उपनिषद में कहा गया ऐसे धीर महापुरुष उनका निश्चित कृपा प्रसाद पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी को प्राप्त हुआ भले ही उन्होंने जीवन पर्यंत आत्मसंगोपन किया हो लेकिन पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के लिए
जरूर उनका मनोभाव यह रहा होगा कि इस सतपात्र सुपात्र के माध्यम से समग्र विश्व में मानव मात्र के लिए परम कल्याणकारी श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार हो। ऐसा न होता तो इस प्रकार की जो सफलता है, लाल किले के प्राचीर से समग्र विश्व में गीता का संदेश प्रचारित होना, जहां गीता का प्रादुर्भाव हुआ उस कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय की परिकल्पना का साकार होना, और एक ऐसा विलक्षण शोध संस्थान प्रकट होने की भूमिका का निर्माण होना जो समग्र विश्व में गीता के संबंध में कोई कुछ जानना समझना चाहे तो वह कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र के सभी पौराणिक ऐतिहासिक स्थल, उनको पुनः जागृत करना, उन्हें पुनः स्थापित करना और कुरुक्षेत्र के प्रति एक आकर्षण चित्त में उत्पन्न करना, ये किसी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं हो सकती, ये किसी समर्थ सद्गुरु के कृपा भाजन के माध्यम से ही भगवान ऐसा कार्य संपन्न करा सकते हैं। एक पंक्ति हमने गुरुजनों के मुख से सुनी है, भक्त्या भागवतम विद्यात विद्या नचनी चाहिए और टीका का बोध नहीं होना चाहिए, इसका तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीकाकार भी मूलकार के अंतःकरण से अपने अंतःकरण की एकता करते हैं, तभी वे ग्रंथकर्ता के अभिप्राय को टीका में प्रकट कर पाते हैं। और जो टीकाकार मूलकार के साथ जितना अपने आप को आत्मसात करेगा वह उतने अधिक उसके रहस्यों को उजागर करेगा, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें किंचित प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि बड़े से बड़े विद्वान पुरुष के हृदय में भी उस ग्रंथ के प्रतिपाद्य तत्व श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वह अपने विद्या के बल पर टीका के नाम पर भी कोई ना कोई उपद्रव ही करेगा। हम नाम नहीं ले सकते और नाम लेना भी नहीं चाहिए। जूनागढ़ में एक आयोजन हुआ, उस आयोजन में प्रेमियों का भाव था कि गीता पर ही कुछ प्रवचन हो, दास को गीता का अभ्यास नहीं, ऐसे पूज्य गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि सबके पास वक्त कम है इसलिए कम वक्त हैं। तो उन्हीं का स्मरण करके उन्हीं कम वक्तों में हम भी एक हैं, अवसर कम रहता नहीं तो भाव ऐसा रहता कि नित्य प्रति संपूर्ण गीता का पारायण किया जाए। तो अभ्यास ग्रंथ का मूल पारायण के बिना ग्रंथ की कृपा नहीं होती है, तो वो कृपा दास प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए बड़ा संकोच रहता है। लेकिन आग्रह था तो हमने कहा ठीक है, जैसा भगवान प्रेरणा करेंगे बांच कर सुनावेंगे। तो प्रवचन गीता पर हुआ। एक महानुभाव एक बड़े प्रसिद्ध विचारक के प्रवचन को गीता भाष्य के रूप में हमारे पास लेके आए, बोले महाराज जी इसको भी थोड़ा देखकर बोलिए तो अच्छा है। तो कई खंड थे महाराज जी, तो भूमिका को सूंघने से पता चल जाता है कि लेखक क्या कहना चाहता, उसका अभिप्राय क्या है। पूरे ग्रंथ को कई बार देखने का अवसर ना भी हो तो भी
उलट पलट कर सिंहावलोकन करने से कुछ न कुछ तो अभिप्राय पता चल ही जाता है। तो महाराज जी उस जिस विद्वान के प्रवचन का ग्रंथाकार रूप प्रकाशित था उसने भूमिका में पूरा जोर लगाया कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं थे। अब ये दास कैसे सहन कर सकता है? ये शरीर इसके रज कण के समान टुकड़े टुकड़े भी किए जाएं तो श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है ये बात कभी भी स्वीकार्य हो ही नहीं सकती। ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या, ऐसा विवेक हमें नहीं चाहिए जिसमें हम राम कृष्ण को परमात्मा न माने। महाराज जी भूमिका पढ़ने के बाद उस ग्रंथ को उठाकर हमने ऐसे नीचे एक चौकी थी उस पर रख दिया। वे आए बोले महाराज जी आपने देखा? हमने कहा हाँ हमने देख लिया, अब ये आप सब उठा ले जाएं, इतना भार हम ले जा नहीं सकते। बोले आपके पुस्तकालय में रहेगा। तो पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि हम पुस्तकालय में आर्ष ग्रंथ ही रखते हैं, बेकार का कचरा इकट्ठा नहीं करते हैं। बड़ी पीड़ा हुई उनको, बुरा लगा, उन्होंने प्रवचन में आना बंद कर दिया। लेकिन भक्ति हो तो भगवद गीता का रहस्य ज्ञात हो सकता है। केवल विद्या और टीका के बल से भगवद गीता के स्वारस्य को कोई समझ ले, हमें ऐसा लगता है कैसा कोई संसार में कोई ऐसा हो नहीं सकता। बहुत प्रसिद्ध है कि श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में थे तो उन्होंने एक गीता स्वाध्यायी को देखा जो गीता पाठ कर रहा था, और उसका श्रवण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और निकट पहुंचे तो यह तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि वे स्वयं न्याय व्याकरण के उद्भट पंडित थे, ये स्पष्ट हो गया कि पाठकर्ता संस्कृतज्ञ नहीं है। और जब संस्कृतज्ञ नहीं है, भाषा का ही बोध नहीं है, तो पाठ करने पर मूल का अर्थ क्या है इसका बोध तो होगा क्या? यह भी उस स्पष्ट ही हो गया। किंतु उन विप्र देवता के नेत्रों से महाराज जी अविरल अश्रुधारा बह रही थी। तब उन्होंने पाठ पूर्ति के पश्चात बड़े विनम्र भाव से वंदन करते हुए पूछा कि भगवान आपके पाठ से तो लगता है कि आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, और जब भाषा का ज्ञान नहीं है तो उसका अर्थ क्या है इसका भी बोध संभवता नहीं होगा, वो नहीं होगा निश्चित है। फिर ये भाव की जागृति कैसे? तो महाराज जी उस ब्राह्मण ने कहा कि गीता में क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, उसका अर्थ और भाव क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जैसे ही सामने विराजमान करके मैं उनके अक्षरों का दर्शन आरंभ करता हूं और टूटी फूटी वाणी में बोलना आरंभ करता हूं तो मुझे दिखाई पड़ता है कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दिव्य रथ पर चतुर्भुज श्री कृष्ण बैठे हैं और जिज्ञासु की भांति श्री कृष्ण उनके चरणों में प्रस्तुत है, अर्जुन उनके चरणों में प्रस्तुत हैं और उनके नेत्रों में भी प्रेमाश्रु भरे हुए हैं और करुणार्द दृष्टि से श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। ये झांकी मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाती है और इस झांकी का दर्शन करके करके मैं भाव विवल होता रहता हूं। महाप्रभु जी को तत्काल प्रेमावेश हो गया, मूर्छा हो गई, उठाकर उसे हृदय से लगाकर कहा आज हमें अपने जीवन में सच्चा गीता स्वाध्यायी मिला। और जैसे ही उस ब्राह्मण एक समर्थ भगवत स्वरूप महापुरुष आचार्य, उन्होंने जैसी हृदय से लगाया कि संपूर्ण शास्त्रों का बोध उस ब्राह्मण को सहज हो गया और सब कुछ प्रकट हो गया। हम सब भाग्यशाली हैं कि गुरु गोविंद के चरणों में जिनकी खूब निष्ठा और खूब प्रीति है और
शांति और सहजता जिनके स्वरूप में झलकती है, ऐसे निश्चित श्री कृष्ण कृपा के भाजन और सबको श्री कृष्ण कृपा का दिव्य रस प्रदान करने वाले पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी जैसे महापुरुष हम सबको प्राप्त हो रहे हैं श्री गीता जी के दिव्य भाव के प्रकाशन के लिए। और महाराज जी गीता जी के शास्त्रीय स्वरूप का विवेचन तो बहुत महानुभावों ने किया कर रहे हैं, लेकिन गीता का जो व्यवहारिक पक्ष है, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, चिकित्सकीय पक्ष हो, व्यवहारिक पक्ष हो, इन सारे व्यवहारिक पक्षों को जो पूज्य श्री महाराज जी ने प्रकट किया है वो महाराज जी अपने आप में एक अद्भुत बात है। और ये बिना ग्रंथ की कृपा के संभव नहीं है। और दास ने महाराज जी ऐसा सुना है कि ग्रंथ की कृपा भी गुरु कृपा के बिना नहीं होती, क्योंकि आगम किससे होगा? आगम तो गुरु चरणों में बैठ करके ही ग्रंथ का आगम होगा और तभी कृपा प्राप्त होगी। ऐसी गुरु गोविंद और गीता, इन ये तीनों कहने में तीन हैं एक ही हैं, इन तीनों की कृपा प्राप्त है पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज को। और भक्तमाल में महाराज जी एक दृष्टि है, वो दृष्टि यह है कि गुरु गुरु और संत परम गुरु। परम गुरु का अर्थ है गुरोह गुरु, गुरु के गुरु को परम गुरु कहा जाता, दादा गुरु, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव संत स्वरूप में हैं और संत स्वरूप में गुरुदेव हैं और वही गुरुदेव का संत स्वरूप संत में प्रकट विद्यमान है, तो एतावता वे गुरु के गुरु भी संत स्वरूप में हैं और संत भी उसी स्वरूप में हैं, इसलिए वे गुरोह गुरु। इसलिए प्राचीन महापुरुष अपने शिष्यों को ज्ञान वैराग्य और साधन में परिपक्व देखकर फिर विचरण की आज्ञा देते थे, जिससे भारतवर्ष की अन्य विभूतियों के भी संपर्क में आकर जो चीज गुरुजी से वह नहीं सीख पाया है वो भेष भगवान के चरणों में जाकर के सीख ले, संतों से सीख ले। तो ये सिद्धांत जब हम मानते हैं तो तत्व रूप से तो गुरु तत्व का अभाव कभी होता नहीं, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो कृष्ण तत्व ही गुरु तत्व है, गुरु तत्व ही कृष्ण तत्व है, इसलिए उसका अभाव होता नहीं है। लेकिन जब इस दृष्टि को हम स्वीकार कर लेते हैं तो प्रकट रूप में भी सदगुरु भगवान की सन्निधि कभी दूर नहीं होती है। आज चाहे पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के पूज्य गुरुदेव अपने देह में न हो, लेकिन उसमें न होकर इस रूप में विराजमान है, पूज्य महाराज जी के रूप में विराजमान है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य चतुर्थाश्रम की दीक्षा देने वाले गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, वे देह में न हो लेकिन इस रूप में वे आज भी हमारे निकट विराज रहे हैं। ऐसी हमारे मन की भावना है, ऐसी हमारी अनुभूति है। वृंदावन के महान रसिक श्री हरिराम व्यास जी ने कहा, आदि मध्य अरु अंत में यह रसकन की रीत, संत सवे गुरुदेव हैं व्यास ही यह प्रतीत। महाराज जी कई बार गुरुजी से उतना सीखने को नहीं मिलता जितना संतों से सीखने को मिल जाता है। तो दास का ये भाव है कि पहले परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी के रूप में कृपा हो रही थी, अब पूज्य श्री महाराज जी के रूप में आपको हमको सबको कृपा प्राप्त हो रही है, और ये कृपा सदा सर्वदा हम सब पर बरसती रहे। इसी प्रार्थना के साथ आसन पर व्यास आसन पर विराजमान पूज्य श्री महाराज जी एवं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में सभी पूज्य संतों के ब्राह्मणों के चरणों में हम प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को श्री रमण बिहारी जी के चरणों में विराम देते हैं।
जय श्री कृष्ण। नमन वंदन पूर्वक अनुमति चाहते हुए पूज्य शिर चरणों से ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृद्दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। दो पंक्तियां प्रार्थना की गुनगुनाते हुए लॉकडाउन के दिनों में महाराज श्री जब कोरोना की टेंशन भय आशंका लोगों को व्यथित किए जा रही थी उस समय संस्कार चैनल पर ही कुछ समय लगातार एक घंटा सायंकाल गीता चिंतन कुछ चर्चा रही है। और उन दिनों स्वाभाविक ही यह दो शब्द वाणी गुनगुनाती रही स्वयं भी और संस्कार चैनल के माध्यम से भी हजारों हजारों की वाणी पर ये शब्द और एक मनोबल वृद्धि का आधार इससे हजारों को प्राप्त हुआ। बहुतों की वाणी पर एक स्वाभाविक सा ये शब्द आने लगा स्वाभाविक गुनगुनाहट होने लगी इस शब्द के और वही गुनगुनाते हुए प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो ओ, 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 ओ,
प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, ओ प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, 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 प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। गीता में हो व्यवहार मेरा, गीता में हो व्यवहार मेरा, गीता में हो व्यवहार मेरा, गीता में हो व्यवहार मेरा। भगवद गीता केवल वाणी तक, केवल करण रंध्रों तक ना रहे और केवल नेत्रों के अध्ययन तक नहीं, यद्यपि वह सब भी अच्छा है, आवश्यक है, लेकिन प्रबल आवश्यक। गीता में हो व्यवहार मेरा, गीता में हो व्यवहार मेरा, प्रभु चरण कमल से हो प्यार 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 मेरा, श्री कृष्ण कृपा ही आधार 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 मेरा। जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री 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 कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो,
प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो। केवल एक मिनट के लिए मौन शांत वाणी से निकला यह भाव एक मिनट के लिए मौन भावों के माध्यम से भीतर से निस्सृत हो, शब्द निशब्द बनकर जब अंदर के भाव से प्रकट होता है, भाव के रूप में प्रकट होता है, वह निश्चित अपना स्थान भीतर प्रार्थना की एक शक्ति के रूप में और साथ ही साथ प्रभु चरणों में पहुंचकर उनकी भक्ति के रूप में अनुभव हो सकता है। एक मिनट के लिए केवल शिराधे शिराधे पुनश्च आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में वंदन, और जैसा भी पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने अपना कृपा प्रसाद अपनी श्रीवाणी से प्रदान किया और जिनकी कृपा कोर जिनका स्नेह सतत अनुभव में रहता है और समक्ष यहाँ भी व्यासपीठ के ठीक सामने से जिनकी कृपा दृष्टि ही वाणी के शब्द बनकर निकलेगी, ऐसे पूज्य महाराज श्री की प्रतिवंदन, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज और सभी पूज्य संत विप्र चरणों में नमन वंदन, पतित पावनी कली कलुषहारिणी भगवती भागीरथी श्री गंगा जी को वंदन, इस समूचे मायापुरी क्षेत्र हरिद्वार धाम को वंदन, कुंभ मेला महोत्सव यद्यपि कोविड की छाया में वह विराट रूप नहीं ले पाया, लेकिन कुंभ का योग अमृत योग तो निश्चित है ही, उस कुंभ के पावन योग को नमन वंदन, और कुंभ में जहां जहां भी अपने जिस जिस अनुष्ठान के भाव से जिस जिस साधन के भाव से विराजित जो जो भी संत यहाँ उपस्थित हुए उन सबको वंदन, या यहाँ नहीं जहाँ भी आसपास क्षेत्रों में विराजित हैं उन समस्त पूज्य संतों के प्रति नमन वंदन, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति वंदन, अपने राष्ट्र की समस्त
दिव्य प्रेरक परंपराओं को नमन, जो परंपराएं भारत को जगत गुरु विश्व गुरु बनाए रही और फिर से मार्ग कुछ प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। भगवान कृपा करें ऐसी समस्त परंपराएं, अवतार परंपरा, त्योहार परंपरा, तीर्थ परंपरा, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, संत परंपरा, ये सब परंपराओं की दिव्यताएं हैं अपनी मातृभूमि की। इन सब परंपराओं को नमन वंदन करते हुए और पूज्य श्री से पुनः अनुमति चाहते हुए विधिवत गीता भाव को आगे ले चलने की, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने संकेत किया कि भक्ति भाव के साथ भगवान कृष्ण भी जहां श्रीमद् भगवद गीता के वाचन की या किसी के लिए कथन की या उसके प्रचार की अनुमति यदि देते हैं भगवान कृष्ण, तो वहां महर्षि एक शब्द जो भगवद गीता का है वो हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने व्यास पीठ पर बैठने और कुछ बोलने या ग्रंथ को एक व्यावहारिक विस्तार देने की अनुमति वहां एक भाव के साथ ही दी है। जहां संकेत किया कि या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेश्व विधास्यते, पूर्व में स्पष्ट किया कि पार्थ मेरा यह उपदेश किसी ऐसे व्यक्ति को मत कहो कि जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसमें भक्ति भाव नहीं, जिसमें कोई तप का भाव नहीं, जिसमें कोई श्रवण की जिज्ञासा नहीं, लेकिन आगे अनुमति दी कि कहो यह जो कहता है, लेकिन कैसे कहता है ये महत्वपूर्ण। यह इमं परमं गुह्यं मद भक्तेश्व विधास्यति, अर्जुन जो मेरे और तेरे इस गीता रूपी रहस्य को, संवाद रहस्य को जो मेरे भक्तों तक कहता है, लेकिन कैसे कहता है, जो महर्षि आपने संकेत किया भक्तिम मई प्राम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशया, मेरी पराभक्ति का आश्रय लेकर के जो मेरे इस संवाद को दूसरों तक पहुंचाता है पार्थ, वो निसंदेह मुझे प्राप्त कर लेता है। और वहां भक्ति भी पराम भक्ति शब्द, भक्ति में प्राम कृत्वा, केवल सकाम भक्ति नहीं, सकाम भक्ति के साथ नहीं, केवल भक्ति कोई प्रदर्शनीय भक्ति के रूप में नहीं, लेकिन उसको कोई अन्यथा ना ले कि माला फेरना प्रदर्शन नहीं, क्योंकि यदि भाव हमारा सही है तो निश्चित माला भी वंदनीय है, बासी क्रियाएं हैं भक्ति भाव की जो बाहर प्रकट करनी ही पड़ेंगे, पूजन है, अर्चन है, वंदन है, कहीं माला फेरना है, कहीं दर्शन है, वो सब, लेकिन भीतर के भाव में भक्ति में प्राम कृत्वा मामिवेश्यत्य संशय, मेरी पराभक्ति का आश्रय लेकर के जो मेरे और अर्जुन तेरे इस संवाद को दूसरों तक पहुंचाता है वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। और इसीलिए प्रारंभ में यह जो शब्द प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, भगवान कृपा बनाए रखें। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया एक अद्भुत गीत, एक अलौकिक गीत,
एक विलक्षण गीत और विश्व इतिहास का कदाचित सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक एक अद्वितीय गीत। क्यों? क्योंकि स्वयं शिव भगवान के द्वारा गाया गया है। हमारी समूची ग्रंथ परंपरा ये सनातन धर्म की दिव्यता है कि समूची ग्रंथ परंपरा उपदेश की शैली में ही, संवाद की शैली में, केवल आदेशात्मक कहीं नहीं कि सीधा आदेश दिया जाए कि ऐसा करना है, नहीं करोगे तो यह कहलाओगे, ऐसा हो जाएगा, यहां गिरोगे, वहां गिरोगे, नरक में नहीं अगर करो, ऐसा कहीं नहीं। संवाद की भाषा है हमारे ग्रंथों में। लेकिन यहां जो संवाद है, ये संवाद या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृतः, ये ग्रंथ जो है श्री भगवान उवाच, केवल श्रीमद् भगवद् गीता में है जहां श्री भगवान बोले। संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है महर्षि वेद व्यास जी की कृपा से, जब संपूर्ण गीता का श्रवण कर लिया, अद्भुत पांच श्लोक जो श्रीमद् भगवद् गीता के अंतिम पांच मंत्र हैं, पांच श्लोक हैं संजय उवाच के, वहां संजय ने कृतज्ञता प्रकट की महर्षि व्यास के समक्ष। और कृतज्ञता पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज वाल्मीकि रामायण में श्रवण करवाते हुए एक दिन उन्होंने कहा कि कृतज्ञता अपने यहां एक सर्वप्रथम आधार है हमारे व्यवहारिक जीवन में कहें, पारिवारिक जीवन में कहें, या किसी भी रूप में कहें, कृतज्ञता तो स्वाभाविक जीवन का आधार है। और तब महर्षि आपने वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का एक सूत्र भी दिया था, संभवतया तीन दिन पूर्व, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातना, कि सनातन धर्म को परिभाषित ही केवल चार शब्दों में कर दिया गया कि किसी के उपकार के प्रति उपकृत भाव, कृतज्ञता का भाव, यही सनातन धर्म है। और श्रीमद् भगवद् गीता में हम देखते हैं अर्जुन ने भगवान गोविंद से भगवद गीता का श्रवण किया, अर्जुन स्वीकार करने में चूक नहीं करते, जैसे ही भगवान कृष्ण प्रश्न करते हैं कच्ची देते श्रुतम पार्थ, क्या तूने सुना, एकाग्रता से सुना, और कच्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय, क्या तेरा अज्ञानता जनित मोह नष्ट हो गया। अर्जुन बिल्कुल ना विलंब करते हैं, ना हिचकिचाहट दिखाते हैं, एक क्षण में स्वीकार करते हैं और सीधा उत्तर देते हैं, नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा। लेकिन आगे का शब्द क्या कहा, तत्प्रसादान में आच्युत, ये कहने में हिचकिचाहट नहीं करते कि कृष्ण ये जो भी हुआ तत्प्रसादान में अच्युत, ये केवल आपकी कृपा से हुआ है, कृतज्ञता। और संजय ने क्योंकि महर्षि व्यास के द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि के आधार पर भगवद गीता को श्रवण किया और धृतराष्ट्र को श्रवण करवाया, और इसीलिए संजय एक ऐसा पात्र है गीता में जो श्रोता भी है और वक्ता भी है, साथ साथ दोनों भूमिकाएं हैं। श्री भगवान वक्ता हैं, अर्जुन श्रोता हैं, धृतराष्ट्र तो श्रोता है या सोता है या जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन
संजय श्रोता भी है और जहां जहां आवश्यकता पड़ती है वहां वहां वक्ता भी है। धृतराष्ट्र को सुनाते हैं तो संजय कृतज्ञता का वह भाव स्वीकार करते हैं। व्यास प्रसादा श्रुत्वान एतद् गुह्यमहं परम, कि मैंने हे राजन मैं जो ये सुन पाया व्यास प्रसादा महर्षि व्यास की कृपा से सुन पाया। लेकिन उत्तरार्ध में इस श्लोक के बहुत महत्वपूर्ण बात उत्तरार्ध में जो कही गई, योगम योगेश्वरात कृष्णात, एक एक शब्द देखें आप भगवद गीता का, योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथ्यतः स्वयं। मैंने महर्षि व्यास की कृपा से सुना गीता उपदेश, लेकिन महर्षि व्यास से नहीं सुना। सुना कहां से? योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथ्यता स्वयं, मैंने साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण के द्वारा उनके श्रीमुख से कहते हुए यह योग का उपदेश श्रवण किया। अर्थात भगवद गीता सीधी सीधी बात साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। और इसीलिए यह जो संवाद है यह विश्व का सर्वोत्कृष्ट संवाद है, अनूठा अद्वितीय संवाद है यह श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान के द्वारा गाया गया दिव्य गीत, श्रीधाम वृंदावन में वंशी के स्वरों से वंशी नाद के द्वारा समूचे वातावरण में प्रेम उड़ेलने वाले वंशी नाद की दिव्यताओं के द्वारा सबके हृदय में प्रेम भक्ति भाव का संचार करने वाले गोविंद कुरुक्षेत्र की भूमि में एक अलग सी मुद्रा में दिखाई देते हैं, प्रबोधन की मुद्रा उद्बोधन की मुद्रा, और उस मुद्रा में ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। एक ओर अर्जुन के रथ के सारथी हैं कृष्ण और उस रूप में लगाम हाथ में है चाबुक हाथ में है, रथ के घोड़े विजय पथ कर की ओर ही अग्रसर रहे हैं, उस रूप में लगाम भी है और चाबुक भी है हाथ में। लेकिन यहां प्रपन्न पारिजाताय शरणागत के लिए कल्प वृक्ष के समान भगवान कृष्ण तोत्र वेत्रैक पाणये और ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, यहां भगवान कृष्ण केवल रास रचैया की भूमिका में नहीं, यहां भगवान कृष्ण केवल माखन चुरैया की भूमिका में नहीं, यहां श्री कृष्ण केवल माखन खवैया की भूमिका में भी नहीं, यहां श्री कृष्ण चीर चुरैया की भूमिका में भी नहीं। यद्यपि वो सब भी उनकी दिव्य लीलाएं हैं और एक मास तक महर्षि एक जो संस्कार चैनल पर सीधा प्रसारण रहा एक मास तक उसका विषय ही यही रहा गीता कृष्ण में कृष्ण गीता में, एक मास तक इसी विषय पर चर्चा चली गीता कृष्ण में कृष्ण गीता में। एक बार शुक तीर्थ में हनुमत धाम के महाराज श्री ने कहा कि हनुमान जी को भी कभी गीता जी सुनाने की बात उन्होंने कही तो वहां कुछ दिन स्वाभाविक विषय रहा गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, गीता जी में भी हनुमान जी हैं और गीता के श्रोता भी रहे हैं
और गीता के भाष्यकार टीका भी उन्होंने लिखी हनुमान जी महाराज के द्वारा, लेकिन गीता में कपि ध्वजा के रूप में स्मरण किया गया। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपि ध्वजा, प्रथम अध्याय में हनुमान जी का स्मरण हुआ है वहां। लेकिन जब ये पक्ष देखते हैं कि गीता कृष्ण में, कृष्ण गीता में, हमें लगता है कि भगवान कृष्ण की प्रत्येक लीला में कहीं ना कहीं भगवद गीता का भाव साथ है। कोई भी लीला ऐसी नहीं जहां भगवद गीता की का चिंतन साथ ना हो। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि गीता जी के जो सूत्रात्मक भाव हैं वही भगवान गोविंद ने लीलाओं के माध्यम से साकार प्रकट किए। एक बार ब्रज की बड़ी दिव्य विभूति पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज 1986 की बात है, हमें एक मास उनकी सन्निधि में रहने का सौभाग्य मिला वहीं आनंदवन आश्रम। और एक बात, वो सायंकाल बैठा करते थे रात 8 से 9, केवल सहज वार्ता, लेकिन आध्यात्मिक वार्ता, किसी कोई जिज्ञासा की बात उसका सहज उत्तर, श्रीमद् भागवत की कोई चर्चा चल रही थी। किसी ने बीच में ही पूछ लिया श्रीमद् भागवत की चर्चा में कि आप सबसे सरल और सरस व्याख्या कौन सी लगती है। श्रीमद् भागवत की चर्चा थी, चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे विचार में श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवद गीता की बड़ी सरस व्याख्या है, बहुत सरस व्याख्या है। वो एक शब्द में उन्होंने उत्तर दिया और मुस्कुरा दी। हमें लगता है कि भगवान कृष्ण की प्रत्येक लीला उसे कहीं ना कहीं गीता है साथ। गीता का कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई सूत्र, कोई ना कोई भाव, उसी का एक प्रकट प्रभाव है भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं। और दूसरा पक्ष जब देखते हैं विचार का कि भगवद गीता भी भगवान कृष्ण की एक लीला ही है, महाराज भगवान कृष्ण की लीलाएं गीता हैं और गीता भी उनकी एक विलक्षण सी लीला ही है। लीला इसलिए हम सोचते हैं, युद्ध हो रहा था, तैयारी थी युद्ध की, अर्जुन तैयार होकर आया था। अर्जुन के मन में कहीं ये नहीं था कि युद्ध से मैंने भागना है, पलायन करना है, कहीं अर्जुन के भीतर रंचक भी ऐसी कोई सोच नहीं थी। पूर्णतया तैयार होकर आया था अर्जुन। और इसीलिए जब अर्जुन ने कहा सेन्योर्भ्योर मध्य रथम स्थाप्य में च्युत, हे च्युत श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को खड़ा कर दो, और आगे स्पष्ट किया क्यों, यावदेतान निरीक्ष्य हम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मे असह्य दव्यम अस्मिन रण समुद्य में। कृष्ण, मैं देख तो लूं एक बार कि कौन कौन युद्ध की इच्छा से लड़ने और मरने के लिए मेरे सामने खड़े हैं तैयार। बिल्कुल तैयार था अर्जुन। अर्जुन ने कहा तो केवल इतना ही था ना कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चलो, कहीं भी ले जाते, दुर्योधन के सामने ही ले जाते,
दुशासन के सामने ले जाते, कहीं और ले जाते, लेकिन ये लीला हमें लगती है। लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण, लीलाएं करना उनका स्वभाव है। उनके प्रत्येक अदा लीला है, प्रत्येक भाव भंगिमा लीला है, उनका हंसना लीला, उनका मटकी फोड़ना लीला, गौएं चराना लीला, और कभी कभी गौओं के बछड़े खोल देना लीला। प्रत्येक भाव उनका अपने आप में एक बहुत विचारणीय लीला है। लेकिन उस लीला पुरुषोत्तम को यहां एक लोकोपकारी लीला और सूझ गई महाभारत की युद्ध भूमि में, क्योंकि लीलाएं उनका स्वभाव है। यहां भी उन्हें लगा कि सीधा सीधा यदि रथ कहीं और खड़ा किया तो युद्ध हो जाएगा, बात समाप्त हो जाएगी, पांडव विजयी हो जाएंगे, ये निश्चित है, उसे कोई संदेह नहीं, युद्ध होगा। लेकिन युद्ध के साथ साथ यह भी निश्चित है, युद्ध के पश्चात लीला संवरण में बहुत लंबा समय नहीं है, तो क्यों ना लीला संवरण से पूर्व भविष्य के लिए यहां एक नई लीला रच करके मानव मात्र के कल्याण के लिए कोई उपहार दिया जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, ऐसी लीला रची जाए। और हमें लगता है कि जानबूझकर भगवान गोविंद ने रथ को भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम सब राजाओं के सामने, लेकिन बीच में खड़े हुए भीष्म और द्रोण के सामने जाकर रथ खड़ा किया। और कई बार हमने चित्र देखा होगा रथ पर भगवान का ऐसे अंगुली का संकेत, और वो संकेत क्या है, वो संकेत है भगवान कृष्ण अर्जुन को संकेत कर रहे हैं, वाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। प्रथम अध्याय में गीता जी के श्री भगवान वाच का कोई श्लोक नहीं, लेकिन यह जो भाव है वाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति, हे पार्थ सामने खड़े हुए इन कौरवों को देख, और ये देख शब्द जो है पश्यतान सामने देख, ये देखने देखने में बड़ा अंतर है। और भगवान कृष्ण का जो एक व्यंग्यात्मक संकेत था ऐसे कि सामने देख पार्थ, उसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ था, सीधा इशारा नहीं था, उसके पीछे गोविंद की लीला थी, उस लीला पुरुषोत्तम का एक लीला भाव छिपा था इसके पीछे कि सामने देख पार्थ, अंगुली का संकेत, अर्थात कहीं और नहीं सीधा। जैसे बचपन में स्वभाव तो अर्जुन का था ही कि जहां निशाना जहां देखना है वहीं देखना है, और इसीलिए आचार्य द्रोण के कहने पर क्या देख रहे हो, अर्जुन ने यह नहीं कहा वृक्ष पर बैठी चिड़िया, अर्जुन ने कहा केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूं। स्वयंवर में तो और गजब, देखना था नीचे और निशाना साधना था ऊपर मछली की आंख, और तब भी दृष्टि चूकी नहीं। और यहां भगवान को लगा कि केवल यह कह दिया ना कि देख, तो शायद अर्जुन कुछ और ना देख ले, या अर्जुन की आंख इधर उधर ढूंढने ना लग जाए कि दुशासन कहां, दुर्योधन कहां, कर्ण कहां और सब कहां।
इसीलिए अंगुली का संकेत साथ किया, पश्चैतान संवेतान कुरुनीति, अर्जुन वो सामने देख। और सामने कौन थे? भीष्म द्रोण। भगवान जानते थे अर्जुन की आंख एक बार यहां स्थिर हो गई तो अर्जुन का मोह कृतज्ञता के भाव से जागृत होगा। यद्यपि लीला हम इसलिए भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि अर्जुन प्रथम बार किसी युद्ध भूमि में आया था, और यह भी नहीं था कि भीष्म और द्रोण के समक्ष भी अर्जुन प्रथम बार आया हो। विराट के यहां जिस समय अज्ञातवास पूरा होने का था और दुर्योधन की कपट नीति के कारण से विराट राजा के यहां आक्रमण कर दिया गया कि किसी भी प्रकार से हो पांडव पहचान लिए जाएं, वेश बदले हुए थे अर्जुन ब्रह्मनला के रूप में। दुर्योधन को लग रहा था कि पांडव यहां होंगे तो युद्ध की स्थिति बनेगी, कपट नीति अपना काम जब करती है तो वो भी कहीं ना कहीं अलग सी स्थितियां, वैसी सोच भी वैसी ही बन जाती है, उसी के अनुसार ही फिर विचार निकलने लगते हैं। और जैसी अंदर की भावना होती है, और गीता के गोविंद तो कहते हैं कि ये मनुष्य है ही भाव में, बाहर की आकृति तो ठीक है लेकिन जैसा अंदर भाव होता है वैसी ही आगे की योजनाएं भी बनती चली जाती हैं। और भगवद गीता को जो लाइफ मैनेजमेंट का दिव्य ग्रंथ विश्व इस समय मान रहा है, उसमें ऐसे ऐसे बहुत से सूत्र हैं कि अंदर की सोच क्या क्या परिणाम ले आती है और कैसी कैसी प्लानिंग्स अंदर की सोच बनाती है। सोच में कपट होगा तो वैसी स्थितियां सामने आएंगी, और दुर्योधन के मन में था ही कपट। और इसलिए जीव गीता के भाव से कुछ एक सूत्रात्मक शब्द जो कई बार लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, उनमें एक शब्द है कि भाव में कपट ना हो और स्वभाव में कटुता ना हो। कृपा स्वतः अनुभूत हो सकती है, भाव में कपट ना हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। अब देखें शब्दों में हमारे महापुरुष कितने सजग दिखाई देते हैं। वो भगवद गीता हो, वो श्री रामचरित मानस हो, या स्वयं श्री भगवान, या श्री भगवान की कृपा प्राप्त महापुरुषों के भीतर से जो कुछ निकलेगा वाणी के माध्यम या लेखनी के माध्यम से, वहां शब्दों के प्रति जागरूकता। भगवान कृपा करें, क्योंकि बिना कृपा के संभव भी नहीं है कि जागरूकता बनी रहे। वो कृपा करके बनाए रखें तो बनाए रखें, वरना अपने वश में कहां, कब वाणी फिसल जाए, कब। और गोस्वामी जी कितने जागरूक दिखते हैं मानस में एक एक शब्द के प्रति। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। सुई के छिद्र जितना भी कपट और छल, भगवान कहते मुझे नहीं पाता। लेकिन दुर्योधन तो स्वरूप ही उसी का है, और इसीलिए कपट है तो वैसी योजनाएं भी। तो विराट के यहां युद्ध की स्थिति, अर्जुन की उस कपट नीति का परिणाम, और वहां भी अर्जुन सामने था।
ब्रहनला के रूप में। सामने पितामह थे, आचार्य द्रोण थे, कृप थे, कर्ण, दुर्योधन सब थे सामने। ये महर्षि महाभारत में इस भाव में, यद्यपि थोड़ा भावांतर होगा प्रसंग से, लेकिन भगवान कृपा करेंगे लौट आएंगे वहीं, एक ऐसा प्रेरणात्मक भाव जो इतना रोमांचित करता है कि सामने महाभारत विराट पर्व के प्रारंभ में ही, सामने जब पितामह और आचार्य द्रोण थे तो अर्जुन ने जो प्रथम बाण चलाया वो चरणों के पास गिराया, और उधर से भी जो प्रथम बाण चला वो सर के ऊपर से निकल गया। और भारतीय संस्कृति की दिव्यता कैसे शास्त्रों में मुखरित हुई है उसके ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण दिखाई देते हैं कि युद्ध भूमि में भी खड़े हुए पितामह और आचार्य द्रोण तो भी अर्जुन ने युद्ध की भाषा में कृतज्ञता प्रकट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई पाई, और उसका परिणाम भी, प्रणाम का परिणाम तो अच्छा होगा ही होगा, और परिणाम भी, ये भी भारतीय संस्कृति का गौरव है कि विपक्ष में भी, विपक्ष में खड़े हुए जो शत्रु पक्ष में हैं उनसे भी विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त नहीं खींचा जा सकता है, और अर्जुन ने लिया। उसके बाद एक और अद्भुत घटना कि जब उत्तर विराट राजा का पुत्र जो युवराज, जब विजय हो गई, बिल्कुल अचेत अवस्था में सब पड़े थे, और जब उत्तर ने कहा कि ब्रह्नले, अभी तक उत्तर को नहीं पता था कि ब्रह्नले, कैसे बताऊंगा मैं, तो ये मानवीय प्रकृति जो है कि हमने पितामह को हराया, और वैसे भाग रहा था श्रीमान डर करके, तैयार नहीं था युद्ध करने को, वो तो 100 कदम दूर जाकर भागकर अर्जुन पकड़कर लाए खींचकर, युद्ध तो करना ही है, युद्ध से भागना तो संभव ही नहीं, लेकिन और अब जब जीत गए तात बात में सकल संवारी, कछु काज विधि बीच बिगाड़, अब जीत गए तो कैसे बताएंगे कि हमने पितामह को हराया, दुर्योधन को हराया। इनका विचार क्या है? अब विचार यही है, अगर कहो तो मैं जाकर के इनका कोई ना कोई वस्त्र आभूषण उतार लाऊं, और आप देखें भारतीय संस्कृति की दिव्यता। अर्जुन कहते हैं कि युवराज और सबके भले उतार लेना, लेकिन ये जो दो बीच में है ना वृद्धजन, इनको छूना नहीं जा करके, ऐसा भी महाभारत में, इनको नहीं छूना, इनका कोई वस्त्र नहीं उतारना। और वो हम सब समझ गए होंगे वो कौन, पितामह और आचार्य द्रोण। कृतज्ञता, विराट राजा के यहां भी तब अर्जुन के मन में ऐसा नहीं आया कि पितामह है, आचार्य द्रोण हैं, लेकिन और प्रेरक रघुवीर गोसाई हैं, वो जैसी प्रेरणा दे दें अंदर, जिस प्रकार का भाव जगाना चाहें जगा सकते हैं। और हम कई बार सोचते हैं हमारा श्री कि प्रेम की ध्वजा ब्रजांगना, उनमें कहां कल्पना की जा सकती थी कि जब रास के लिए पूरी तैयारी है और उस समय उनके भीतर कोई अहम भाव जागृत हो जाए, लेकिन हुआ। हमें लगता है कि ये सब गोविंद की लीलाएं थी आगे हम जैसों के लिए प्रेरणा देने, और यहां भी प्रभु ने
एक लीला रची, अर्जुन के भीतर ऐसा भाव जगा दिया, अर्जुन जो कभी कहीं नहीं हारा, किसी से नहीं हारा, कहीं नहीं पराजय स्वीकार की, लेकिन यहां पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को देखते ही अर्जुन पराजित सा हो गया, हार गया अर्जुन। लेकिन ध्यान रखना, किसी और से नहीं हारा, अपने मन की एक वृत्ति से हार गया, मोह से। और ये जो पराजय होती है, ये एक अलग प्रकार की है। जब व्यक्ति कहीं ना कहीं वृत्तियों के अधीनता और वृत्तियों से हार सा जाता है, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं अहंकार, और यहां अर्जुन मोह रूपी वृत्ति के अधीन हो गया, हार गया अर्जुन, किसी और से नहीं, मोह की वृत्ति से। और सच ये है, ये गोविंद की लीला थी। हमारे गोविंद प्रभु चाहते थे कि अर्जुन के मन में ये मोह जागृत हो, और जहां मोह जागृत होगा वहां तनाव आएगा ही आएगा, चिंता, तनाव, दबाव, अवसाद, विषाद, ये बनेगा ही बनेगा। और वो सब घटना घट गई, जो प्रभु चाहते थे वो हो गया। अर्जुन के भीतर का मोह जाग उठा, मोह के कारण धीरे धीरे अर्जुन विषाद की स्थिति में आ गया। बस संक्षेप में हमें एक प्रसंग की ओर बढ़ना है आगे, कुछ आज पूर्व भूमिका लेकर के विचार हो रहा मन में था कि क्या चर्चा लें, तो स्वाभाविक आया कि यहां कुंभ है, अमृत का कुंभ अर्थात अमृत, और गंगा स्नान के रूप में अमृत, और कुंभ में तो अमृत ही अमृत है। तो हमें लगा कि भगवद गीता में भी अमृत शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है, यद्यपि मूल तत्व तो एक ही है, लेकिन अलग अलग भाव में अमृत शब्द आया है गीता जी में। तो हमें उसी विषय की ओर प्रयास करेंगे, जैसा गोविंद की लीला होगी कि अमृत तत्व तो किस किस रूप में। लेकिन अभी हम कुछ क्षण पूर्व भूमिका, और पूर्व भूमिका यही कि भगवान कृष्ण की लीला थी, और लीला में भगवान कृष्ण चाहते थे अर्जुन विषाद के अधीन हो, और विषाद को योग बनाने के लिए भगवान को अवसर मिल जाए गीता रूपी उपहार देने का, गीता उपदेश देने का, और वो सब घटित हुआ। तो गीता कृष्ण में है, कृष्ण गीता में है, प्रत्येक भाव में रमे हुए। और दो पंक्तियां तब स्वाभाविक चलती रही, वो दो पंक्तियां एक बार गुनगुना करके हम थोड़ा प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। गीता कृष्ण में, कृष्ण गीता में, सचमुच अनुभव होते। गीता कृष्ण में, कृष्ण गीता में, सचमुच अनुभव होते। गीता कृष्ण में, कृष्ण गीता में, सचमुच अनुभव होते। गीता कृष्ण में, कृष्ण गीता में, सचमुच अनुभव होते। एक ही धुन में रहने लगा मन, अब तो जगते सोते। एक ही धुन में रहने लगा मन, अब तो जगते सोते। हो एक ही धुन में रहने लगा मन, अब तो जगते सोते। एक ही धुन में रहने लगा मन, अब तो जगते सोते। गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा। ओ गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा, कृष्ण ही प्यार है मेरा।
चिंता तजले शरण मेरी जब पाठ में भाव ये आता। चिंता तजले शरण मेरी जब पाठ में भाव ये आता। चिंता तजले शरण मेरी जब पाठ में भाव ये आता। चिंता मामेकम शरणम रज पाठ में भाव ये आता। चिंता तजले शरण मेरी जब पाठ में भाव ये आता। चिंता तजले शरण मेरी जब पाठ में भाव ये आता। भगवत वाणी ऐसी पढ़ मन झूम झूम यह गाता। भगवत वाणी ऐसी पढ़ मन झूम झूम यह गाता। भगवत वाणी ऐसी पढ़ मन झूम झूम यह गाता। भगवत वाणी ऐसी पढ़ मन झूम झूम यह गाता। गीता आधार है मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। ओ गीता आधार है मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। गुरुवर तुमने कृपा करके जब से दिया सहारा। गुरुवर तुमने कृपा करके जब से दिया सहारा। ओ गुरुवर तुमने कृपा करके जब से दिया सहारा। गुरुवर तुमने कृपा करके जब से दिया सहारा। शंकित हो गई मन की वीणा रोम रोम ये पुकारा। शंकित हो गई मन की वीणा रोम रोम ये पुकारा। ओ शंकित हो गई मन की वीणा रोम रोम ये पुकारा। शंकित हो गई मन की वीणा रोम रोम ये पुकारा। गीता आधार है मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। ओ गीता आधार है मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता कृष्ण में कृष्ण गीता में जब से गीता कृष्ण में कृष्ण गीता में अब तो अनुभव होते। गीता कृष्ण में कृष्ण गीता में सचमुच अनुभव होते। एक ही धुन में रहने लगा मन अब तो जगते सोते। एक ही धुन में रहने लगा मन अब तो जगते सोते। गीता था मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। ओ गीता आधार है मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। गीता आधार है मेरा कृष्ण ही प्यार है मेरा। भगवान गोविंद की प्रत्येक लीला में गीता है और गीता भी भगवान गोविंद की एक लीला ही है। एक अद्भुत लीला, अनूठी लीला, लोकोपकारी लीला। जो संकेत प्रारंभ हुआ वंशी के नाद से समूचे वातावरण में प्रेम उड़ेलने वाले गोविंद कुरुक्षेत्र में एक अलग भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान मुद्राए कृष्णाए, ज्ञान की मुद्रा में समग्र अवतार है, संपूर्ण अवतार है। और इसीलिए
उनकी श्रीवाणी से निकला हुआ एक एक शब्द या उनके व्यक्तित्व, कृतृत्व और यहां वक्तृत्व का एक एक भाव एक समग्र व्यवस्था है। कहीं प्रेम की दिव्यता, कहीं कर्म करने की अनूठी प्रेरणा और यहां ज्ञान मुद्रा है, कृष्ण है ज्ञान की मुद्रा। वैसे अर्जुन के रथ की लगाम और साथ में चाबुक भी संभाल रखा है कि घोड़े सही मार्ग पर चले, ठीक से चले, और वो भी कोई उन्हें हिचकिचाहट नहीं भक्त के भाव है। तो ये भी एक अद्भुत लीला, वरना जिनके हाथ में त्रैलोक्य की लगाम है वो युद्ध भूमि में केवल 18 मिनट के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, 18 दिन तक रोज रोज रथ के सारथी बनकर लगाम हाथ में लिए हुए रथ को इधर से उधर, उधर से इधर ले जाते फिरे, एक लीला ही तो है। उन्होंने केवल इतना सा भाव रखा था कि जब दुर्योधन पहले आया, अर्जुन पश्चात आया, पूर्व भूमिका की थोड़ी सी बात और वाणी पर आई, विश्राम की लीला में थे। अब पूज्य महाराज श्री के शब्द तो महाराज श्री की वाणी से ही अधिक प्रिय लगते हैं कि विश्राम के नाटक में लीला मुद्रा में ही थे, जानते थे आएंगे दोनों। आए, दुर्योधन पहले आया, सिरहाने बैठ गया, अहंकार का प्रतीक, और अहंकार सर चढ़कर ही बोलता है स्वाभाविक। अर्जुन पश्चात आया, विनम्रता का प्रतीक, और विनम्रता झुकना सिखाती है। दुर्योधन सर की ओर बैठा, अर्जुन विनम्र भाव से शिर चरणों की ओर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। स्वाभाविक था, विश्राम की मुद्रा में कोई भी होगा, आंख खुलेगी तो दृष्टि तो पहले सीधी ही जाएगी, सामने ही जाएगी, सीधी सामने। और जैसे ही आंख खुली, सामने अर्जुन, सीधी दृष्टि गई, मुस्कुराए, पार्थ कैसे आए? अर्जुन मौन, केवल आनंद। कई बार जब प्रेम आनंद का अतिरेक होता है तो शब्द जल्दी से वाणी पकड़ नहीं पाती, कभी बहुत दुख की स्थिति हो तो शब्द शीघ्रता से वाणी पर नहीं आते, कभी बहुत भय की स्थिति भीतर हो तो भी, और कभी आनंद प्रेम ये बहुत अधिक उमड़ रहे हो तो भी शब्द वाणी पर नहीं आते। और यहां अर्जुन, तो अर्जुन को चाहिए ही क्या, श्री भगवान की सीधी दृष्टि, उनके मुस्कान और वाणी पर शब्द पार्थ। श्री मन बिहारी भगवान की जय।
नमन वंदन पूर्वक चर्चा जो चल रही थी। पार्थ को तो और क्या चाहिए था, शिव भगवान की सीधी दृष्टि मिली, मुस्कान और वाणी पर शब्द, भगवान की वाणी पर भक्त का नाम आ जाए, भक्त के लिए और क्या अपेक्षा होगी। और तीनों स्थितियां मिली अर्जुन को, सीधी दृष्टि और विनम्रता ही ये दिलवा सकती है, अहम नहीं। अर्जुन बोला नहीं या बोल पाया नहीं, जब भी संकेत किया, जब प्रेम आनंद का अतिरेक हो बहुत मुश्किल होता है कि वाणी पर वाणी को शब्द ढूंढ पाए उसके अभिव्यक्ति के लिए। जब दुख विषाद की स्थिति में आ जाता है तो भी शब्द, और इसीलिए अर्जुन जब विषाद में चला गया तब अर्जुन न योत्सेति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः, अर्जुन चुप हो गया विषाद की स्थिति, या बहुत भय होगा तो भी शब्द वाणी पर, और यहां अर्जुन आनंद में है, बोल नहीं पाया। और अहंकार कई बार बिना बुलाए भी अपना परिचय देता है, विनम्रता कई बार मौन शांत आनंद मौन भाव का आनंद लेती है, और अहंकार बिना बुलाए भी अपना परिचय देगा, अहंकार बोले बिना नहीं रह पाएगा। पूछा अर्जुन से, पार्थ कैसे आए, अर्जुन चुप आनंद, और बोले श्रीमन दुर्योधन, कृष्ण इससे पहले तो मैं आकर बैठा हूं, और बैठा कहां है, सिराहने, फ्रेज हम सब जानते हैं अहंकार का सर चढ़कर बोलना, सिराहने बैठा है, और यह भी स्वाभाविक है कि ऐसे बैठा हुआ व्यक्ति उसको देखने के लिए दृष्टि वक्र होगी ही होगी, थोड़ी घूमेगी दृष्टि। और दुर्योधन को देखते देखते भगवान की दृष्टि थोड़ी वक्र हुई, देखा दोनों को, जो प्रारंभिक संकेत आया ना, वाच पार्थ पश्चितान, पार्थ सामने देख, और जो उंगली का संकेत था भगवद गीता में, ये देखने देखने के बहुत भाव दिखेंगे अलग अलग, कि देखना देखने में भी कितना अंतर होता है। यद्यपि सर्वोत्तम देखना तो यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक, वो तो एक अलग सी स्थिति है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जित देखो श्याममय। लेकिन सामान्य व्यवहार में देखने देखने में भी विनम्रता, और इसीलिए सीधी दृष्टि, अहंकार वक्र दृष्टि, देखा अलग ढंग से देखा। अच्छा दुर्योधन तेरा भी स्वागत है, और कई रहस्यकारों ने तो कह दिया कि युद्ध तो जब होगा सो होगा, लेकिन परिणाम तो आज ही सामने आ गया, जिस पर प्रभु की सीधी दृष्टि पड़ गई वो जीत गया, और जिस पर टेढ़ी दृष्टि पड़ गई वो हार गया, जिस पर वक्र दृष्टि पड़ गई ध्यान में रखे, बस केवल एक ही प्रयास रहता है रहेगा श्री चरणों की कृपा से, कि कुछ सूत्रात्मक प्रेरणाएं हम जीवन के लिए साथ साथ लेते रहें। तो भगवद गीता जिए कैसे, व्यवहार में करें क्या, भगवद गीता में कथाओं का क्रम तो है नहीं, जैसे हमने पूज्य महाराज श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एक क्रम श्रवण किया, आनंद लिया खूब,
पूज्य भाई श्री से इसी पंडाल में श्रीमद भागवत कथा रसामृत पान हुआ। आदरणीय ठाकुर जी महाराज के द्वारा श्री रामचरित मानस का रसामृत पान, पूज्य जगदुरु राम भद्राचार्य जी ने भगवद गीता और रामचरित मानस का कोई समन्वयात्मक भाव भी यहाँ लिया। तो कथाओं का क्रम है, यद्यपि ये कथाएं भी जो प्रारंभ में भी बात चली कि भगवान कृष्ण की लीलाएं भी कहीं ना कहीं गीता का चिंतन ही उस रूप में मुखरित हुआ, ये कथाएं भी कहीं ना कहीं उसी रूप में है। बहुत दिव्यता है, भगवान राम का जब चरित्र और जब भरत चरित्र चल रहा था यहां व्यासपीठ से, क्या एक एक शब्द, तुम तो भरत मोर मत एहो धर्यो देह जिमी राम स्नेहो, ऐसे राम राम प्रेम ही प्रकट हो और प्रेम उमड़ता दिखता है। और वैसे भी हम तो जब उस रूप में देखते हैं तो हमें लगता है कि रामायण हो भागवत हो, भगवान राम का चरित्र हो व्यक्तित्व हो या भगवान कृष्ण का, वो गीता का चिंतन ही साकार हुआ है। या यूं कहें तो भी हमें लगता है कि कोई अनुचित नहीं होगा, या यूं कहें कि उनका जीवन का जो व्यक्तित्व कर्तृत्व है वो ही गीता में भगवान कृष्ण के वक्तृत्व के रूप में प्रकट हुआ है। और भगवद गीता, कई बार एक बात आती है कि भगवद गीता एक वैश्विक भाव, सार्वकालिक सार्वदेशिक सार्वभौमिक रूप, एक वैश्विक स्वरूप इस ग्रंथ ने लिया, विश्व भर के चिंतकों को अपनी ओर आकर्षित किया। उसके कारणों पर जब विचार होता है तो एक बात तो आती है कि भगवान कृष्ण की श्री भगवान वाच है, साक्षात भगवान की वाणी है और भगवान समूचे विश्व के हैं, सबके हैं। पितामह से जगतो शब्द है वहां कि मैं सारे संसार का पिता हूं, पितामह से जगतो माता धाता पितामह, जगत शब्द है वहां, अंतर है नहीं। तो इसलिए भी हो सकता है भगवान की वाणी है, यह भी एक बात है। लेकिन हमें इससे आगे और लगता है कि गीता गोविंद की वाणी है, ये तो परम सत्य है ही, लेकिन यह भी एक विचारणीय सत्य है कि गीता गोविंद की केवल वाणी नहीं, गीता गोविंद का व्यवहार है, गीता गोविंद का आचरण है। और जब किसी का व्यवहार वाणी के माध्यम से बोलता है, किसी का आचरण वाणी के माध्यम से बोलता है, तो वहां वाणी कहीं अधिक प्रभावी रूप ले लेती है, कहीं और व्यापकता स्वाभाविक सिद्ध होने लगती है वहां शब्द की। और जब हम कल ही श्रवण कर रहे थे पूज्य महाराज श्री से कि वनवास की एक हृदय स्पर्शी घटना, लेकिन प्रभु राम को देखे तो भगवद गीता का सुख दुखे समय कृत्वा, ऐसा भाव सम दुख सुखा क्षमे, बार बार गीता जी में शब्द आए सुख दुख में समान। और जब राघव चरित्र हम देखते हैं कि राज्य मिल रहा है, कोई प्रसन्नता का उछाल नहीं, यो ना हिष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति न कांक्षति। और यहां ऐसा नहीं कि जो भगवद गीता ने कहा है कि एक बार किसी ने कहा महाराज जी इसका मतलब क्या, मुंह लटकाए रहे क्या, कि भगवद गीता कहती है यो ना हर्षयति, हंसो नहीं। हमने कहा ऐसा नहीं है, हर्ष का केवल लौकिक कारणों से हर्ष का जो उछाल होने लगता है, अहम पूरित जो हर्ष होता है, वो कहीं ना कहीं फिर बाद में निराशा का कारण बनता है। और इसलिए अंदर की स्थिति तो शांति की, आनंद की, मुस्कान, वो तो रहती ही है। सम अवस्था जहां होती है वहां स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक शांति जो नेचुरल फ्लो ऑफ पीस है जीवन में। अभी तो व्यवहार में प्रायः हम आर्टिफिशियल सुख ढूंढते रहे, आर्टिफिशियल बनावटी
इससे उससे यहां से वहां से जहां से तहां से आर्टिफिशियल सुख, लेकिन नेचुरल पीस वो तो अंदर से मिलती है मन की सम अवस्था में। और वहां आप देखेंगे राज्य मिला शांति स्थिति, बल्कि भाव क्या बना, विमल वंश यह अनुचित को बंधु विहाई बड़े बड़े अभिषेक को बहुत प्रसन्नता नहीं। और जब वनवास हुआ तो भरत प्राण प्रिय पावहि राजु विधि सब विधि मोह सन्मुख आचु, तब अलग स्थिति और स्वाभाविक स्थिति, मन मुस्काहि भानु कुल भानो राम सहज आनंद निधान। तो ये कथाओं का क्रम भी जो है वो भी ऐसा नहीं कहा जा रहा मंच से कि कहीं भागवत कथा है या रामायण कथा है वो कोई उनकी उपयोगिता नहीं, परम उपयोगी हैं। एक एक भाव और गीता का एक एक शब्द इन कथाओं के रूप में प्रकट होता है। अब भगवान गोविंद को देखें, द्वारका बन गई तो ठीक, समुद्र में विलीन हो गई तो ठीक, इतना बड़ा यदुकुल और गांधारी का श्राप, वही स्थिति सम। भगवत गीता में कथाओं का क्रम नहीं है, ये सत्य है, क्योंकि भगवत गीता इन समस्त ग्रंथों का सार तत्व है। जीवन में क्या करना है, किस ट्रैक पर जीवन जीना है, कैसा जीवन को बनाना है, उसके लिए भगवद गीता है। और एक एक शब्द सीधी सीधी एक समग्र जीवन की व्यवस्था, उसको हम आगे एक एक भाव के साथ लेंगे। लेकिन अभी जो संकेत चला, हम बीच बीच में कुछ कुछ सूत्र, जैसे एक सूत्र पूर्व में दिया गया जब दुर्योधन के कपट नीति की बात आई कि भाव में कपट नहीं स्वभाव में कटुता नहीं, कृपा स्वतः होगी। और अभी बात चल रही थी कि यदि चाहते हैं भगवान की सीधी दृष्टि तो विनम्रता को जीवन में स्वीकार करें, सहजता को स्वीकार करें। और सच यह है भुजमलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने कहा, हमारे महापुरुष तो कितना ज्ञान का भंडार, सब कुछ कितनी परम अवस्था, लेकिन तो भी कितनी सहजता है। श्री रामचरित मानस जैसा दिव्य शास्त्र लिखने के बाद जब गोस्वामी विश्राम देने लगते हैं और मौसम दीन न दीन है तुम समान रघुवीर, हे राघव मैं कितना भी विचार कर लू मुझे आप जैसा कोई दीन हितकारी दिखाई नहीं देता, और आप भी कितना देख लेना मेरे जैसा दीन आपको भी दिखाई नहीं देगा दुनिया। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने मैं हरि पतित पावन सुने। विनम्रता, और गोस्वामी जी महाराज तो परम विद्वान, हम सब सुन रहे थे दोनों सत्र में नवरात्रों में कि परम विद्वान, लेकिन तो भी कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहूं लिख कागद कोरे।
लेकिन अगली पंक्ति जान कृपा कर किंकर मोह। ये महर्षि, ये किंकर शब्द जब बहुत वर्ष पूर्व रामचरितमानस को इस रूप में देखा गया तो ये शब्द बड़ा अच्छा लगा, ये किंकर। और वहीं से स्वाभाविक विचार बना और ये किंकर शब्द उसके बाद जैसी जैसी कोई प्रेरणा लेखनी के रूप में बाहर आती तो उसमें किंकर शब्द ही साथ चलता रहा। जान कृपा कर किंकर मोह, और क्यों, वहां तो परम विद्वत्ता ज्ञान सब कुछ था, वो विनम्रता। यहां तो सच बात ये है, यहां तो वास्तव में कुछ नहीं है, केवल श्री कृष्ण कृपा ही आधार, कृष्ण कृपा ही सार। पूजा का विधि विधान कुछ मुझे नहीं आता, पूजा का विधि विधान कुछ मुझे नहीं आता, पूजा का विधि विधान कुछ मुझे नहीं आता, पूजा का विधि विधान कुछ मुझे नहीं आता। तू स्वामी मैं तेरा किंकर, जानू एक यही नाता, तू स्वामी मैं तेरा किंकर, जानू मग यही नाता, तू स्वामी मैं तेरा किंकर, जानू एक यही नाता, तू स्वामी मैं तेरा किंकर, जानू एक बार प्यारे निज कर सर पर धर दो, बस एक बार प्यारे निज कर सर पर धर दो, मेरे नाथ मेरे दाता बस इतनी कृपा कर दो, मेरे नाथ मेरे दाता बस इतनी कृपा कर दो, सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो, सत्संग सेवा मेरे जीवन में भर दो, सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो, सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो। काम क्रोध लोभ मद मोह सब दोष हैं मुझ में भरे, काम क्रोध लोभ
विमोह सब दोष है मुझ में भले निर्बल मन मेरा हरि कैसे इन दूर करे निर्बल मन मेरा हरि कैसे इन दूर करे श्री कृष्ण कृपा से अपनी सब दोष मेरे हर दो श्री कृष्ण कृपा से अपनी सब दोष मेरे हर दो श्री कृष्ण कृपा से अपनी सब दोष मेरे हर दो श्री कृष्ण कृपा से अपनी सब दोष मेरे हर लो मेरे नाक मेरे दाता बस इतनी कृपा कर दो मेरे नाक मेरे दाता बस इतनी कृपा कर दो सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो बस एक बार प्यारे निज कर सर पर धर दो बस एक बार प्यारे निज कर सर पर धर दो निज कर सर पर धर दो निज कर सर पर धर दो बस इतनी कृपा कर दो बस इतनी कृपा कर दो अर्जुन विनम्रता का पर्याय है दुर्योधन अहंकार का प्रतीक भगवान की सीधी दृष्टि का लाभ मिला अर्जुन को पूछा कैसे आए फिर दुर्योधन ही बोला कि युद्ध तो आप जानते हैं निश्चित है सहायता के लिए बस समास भाषा में संक्षेप में ताकि विषय में प्रवेश हो पूर्व भूमिका को शीघ्रता से लेकर भगवान कृष्ण ने अपने आप को दो भागों में किया कहा एक और मैं रहूंगा निशस्त्र निहत्था युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा के साथ और एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूं पहले तो मुझे ही मांगना है भगवान कृष्ण बोले कि पार्थ इस दुर्योधन पहले तुम आए हो ये सत्य है लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है और अर्जुन छोटा भी है इसलिए पहले अर्जुन ही मांगेगा यहां कुछ एक लोगों ने एक प्रश्न किया कि दुर्योधन ने यदि कह ही दिया था पहले मांगने को तो मांगने देते उसमें क्या फर्क पड़ता था लेकिन यहां थोड़ी विचार की बात है यद्यपि भगवान जानते थे कि दुर्योधन पहले मांगे पश्चात मांगे भौतिकवाद का प्रतीक है अध्यात्म है नहीं मुझे मांगेगा
ऐसी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि भौतिकवाद तो भौतिकता ही चाहेगा, बहिर्मुखता ही चाहेगा। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, दो विचारधाराएं सदैव हर युग में साथ साथ रही हैं, अध्यात्म और भौतिकवाद। हमारे शास्त्रों में भी इन दोनों के ही प्रतीक जितने पात्र मिलेंगे, इन दोनों विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए। एक और दुर्योधन है भौतिकवाद का प्रतीक, अर्जुन है अध्यात्म का प्रतीक। और अंतर क्या है? जहां परमात्मा की आवश्यकता नहीं लगती या कुछ नहीं, बस ये मिल जाए वो मिल जाए, इदम अध्या मैं लब्धम प्राप्त से मनोरथम, बस यही संसार ही सब कुछ, भौतिकवाद। और जहां परमात्मा ही सब कुछ और संसार है भी, तो परमात्मा के नाते से संसार का उपयोग, अध्यात्मवाद। और दोनों पात्र भगवान जानते थे कि दुर्योधन पहले मांगे पीछे मांगे, भौतिकवाद का प्रतीक है, मांगेगा तो सेना है, लेकिन तो क्या आवश्यकता पड़ी थी कि ये कहने की कि पहले अर्जुन मांगेगा। वस्तुतः निश्चित तो था ही भगवान को भी, लेकिन भगवान को लगा होगा एक क्षण के लिए कि कहीं ऐसा ना हो मेरी दृष्टि पड़ते ही या मेरी दृष्टि के साथ उसकी दृष्टि एक क्षण को मिल गई उस समय मांगते समय, और मिलते समय उसके मुख से कुछ कहीं निकल ही गया कि मैं तो कृष्ण आपको चाहता हूं। आप अनुमान लगाओ, कल्पना करो, यदि कहीं ऐसी घटना घट गई होती और दुर्योधन श्री कृष्ण को ही मांग लेता, एक क्षण के लिए बुद्धि उसकी ठीक उसमें आ जाती, तो भगवान कृष्ण के अवतार का प्रयोजन पूरा होता क्या? युद्ध की स्थिति क्या होती? तो भगवान को लगा कि कहीं एक क्षण भी ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन अर्जुन के लिए तो प्रभु को पूरा विश्वास था कि केवल इस राज्य की तो बात ही क्या, पूरे त्रैलोक्य का साम्राज्य एक और हो और एक और मैं रहूं, तो मेरा अर्जुन मुझे छोड़कर और कुछ नहीं मांगेगा, अर्जुन कुछ नहीं मांगेगा। और ये दृढ़ विश्वास था भगवान को, और इसीलिए भगवान कहते हैं दुर्योधन पहले तो अर्जुन का ही अधिकार बनता है, और अर्जुन ने वही मांगा जो स्वाभाविक था। अर्जुन ने कहा कृष्ण मुझे तो आप चाहिए, केवल आप। दुर्योधन हमने पहले संकेत किया कपट का पात्र है, भरा हुआ है उसमें कपट। भगवद गीता का प्रथम अध्याय भी जब हम देखते हैं, वहां दूसरे श्लोक में आचार्य उपसंगम्य शब्द तो आता है कि दुर्योधन अपने आचार्य के निकट गया, लेकिन आगे के यदि श्लोक देखें हम, प्रथम अध्याय के दूसरे से ग्यारहवें तक के श्लोक, उन श्लोकों में दुर्योधन है क्या और गुरु के सामने जाकर भी दुर्योधन की पूरा अंदर की कपट स्थिति, ईर्ष्या, छल, द्वेष, अहम, वही सब उन शब्दों के रूप में प्रकट होता दिखता है। और यहां भी अर्जुन ने मांग लिया, अच्छा कृष्ण अब इसने आपको मांग ही लिया है, मेरे पास तो और कोई अब विकल्प बचा नहीं, तो सेना मुझे दे दो। अंदर कुछ बाहर कुछ, शब्दों में कुछ, यही लक्षण है। मन वचन कर्म से
एक रूपता हो, मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम, महात्मना, वो महात्मा की स्थिति है। और मनस्यन्य, अगर मन वचन कर्म से अलग अलग भाव है, जो मन में है वो वाणी पे नहीं, जो वाणी में है वो व्यवहार में नहीं, दुरात्मा की स्थिति है। दुर्योधन की वही स्थिति, अंदर कुछ बाहर, कपट भी तो इसी को कहते हैं ना, अंदर कुछ है बाहर से दिखा रहे हैं कुछ, तो दुर्योधन वही तो बात बात में दिखेगा। तो दुर्योधन कहता है सेना मैं ले लेता हूं, ले ली। दुर्योधन चला गया, सोचता यही है बाहर जाकर कि कैसा मूर्ख है, मैं तो डर रहा था कि कहीं अर्जुन को पहले मांगने को कह दिया, अर्जुन ने कहीं सेना और अस्त्र शस्त्र मांग लिए, तो मैं इस निहत्थे ग्वाले को ले जाकर करूंगा भी क्या अपने साथ, सोचिए थी। और बाहर जा गया, खुश हो रहा था, अच्छा ये इस निहत्थे ग्वाले को मांग लिया इसने, सेना नहीं मांगी, अब इतनी दिव्य अस्त्र शस्त्रों वाली सेना वो मेरे साथ मेरे पास। अर्जुन से लेकिन जब गोविंद ने पूछा कि पार्थ तूने मांग तो लिया, करेगा क्या मेरा, अर्जुन ने कहा कृष्ण और कुछ नहीं, आपको अपने रथ का सारथी बनाऊंगा। घोड़ों की लगाम आपके हाथ में सौंप दूंगा, निश्चिंत हो जाऊंगा। और केवल इन बाहर के घोड़ों की नहीं केशव, और इस बाहर के रथ के नहीं, जीवन रथ की लगाम भी आपके हाथ में। और ये लगाम क्या है, परिणाम। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक को जरा विचार दृष्टि से लें तो यहां अर्जुन की वही भूमिका दिखाई देती है कि मैं अपना काम करूंगा कृष्ण, लेकिन लगाम आपके हाथ में रहेगी, अर्थात फल परिणाम वो आपके हाथ में इस लगाम के माध्यम से सौंप रहा हूं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा इसकी चिंता मैं नहीं करूंगा कृष्ण। ये लगाम केवल घोड़ों की नहीं, युद्ध के परिणाम की लगाम भी आपके हाथ में सौंप रहा हूं, मैं मेरा कर्म करूंगा आप अपना कर्म। और कभी कभी देखो गीता जी के ऐसे भावों को, कभी कभी हम भाव दृष्टि से भी इनका आनंद ले सकते हैं। कभी हम अपने प्यारे प्रभु के पास बैठे उनको कहें कि मेरे ठाकुर मेरे नाथ, और गीता यही कहती है मैं मेरे व्यवहार में, मैं मेरे कर्म में, जो मेरी ड्यूटी है मैं उसमें कोताही नहीं बरतूंगा मेरे ठाकुर, लेकिन आप कृपा में हैं, कृपा में ही प्रभु छवि तिहारी। और अपने यहां तो श्री कृष्ण कृपा धाम में पूज्य महाराज श्री ने हमारे ठाकुर जी का भी जो नाम दिया वो भी श्री कृपा बिहारी जी पूजा महाराज श्री के द्वारा ही, उन्हीं की श्रीवाणी से ही निकला हुआ ये नाम है श्री कृपा बिहारी। महाराज श्री के द्वारा वहां ठाकुर जी विराजित हुए, प्रतिष्ठित हुए, तो महाराज श्री ने कहा कोई नाम सोचा या रखा है, उनका भी तो नहीं, कहते बस श्री कृपा बिहारी रख दो, कृपा। तो ठाकुर से कहें कभी कि मेरे ठाकुर मुझे शक्ति दो कि मैं मेरे कर्तव्य के साथ न्याय कर सकूं, मैं उसमें कोताही न बरतूं, और आपका जो स्वरूप है स्वभाव है कृपा करना, आप भी उसमें कोताही न करना। गोविंद आप अपनी कृपा के स्वभाव में कोताही न करना, मैं अपनी क्रिया के स्वभाव में कोताही नहीं करूं। और जब क्रिया और कृपा दोनों मिल जाएंगे, मेहनत और रहमत दोनों साथ मिल जाएंगे, तब तो क्रिया का परिणाम स्वाभाविक ही अच्छा होगा। और यहां अर्जुन लगाम इसी दृष्टि में सौंपता है कि गांडीव मेरे हाथ में होगा। और
लगाम आपके हाथ में होगी अर्थात परिणाम आपके हाथ में होगा। और यही तो कारण है कि श्री गीता जी का उपसंहारिक श्लोक जो है संजय की वाणी से, जिसके लिए हमने कहा कि दिव्य दृष्टि मिली है, सब कुछ अनुभव कर रहे हैं संजय, और अंतिम श्लोक में यही तो कहते हैं ना, यत्र योगेश्वरः कृष्णो और यत्र पार्थो धनुर्धरः, शब्द कहा कि जहां अर्जुन जैसी कर्मठता है लेकिन उस कर्मठता का अहंकार नहीं है, और जहां योगेश्वर भगवान के का भाव साथ है, उनकी कृपा साथ है, तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मामा, वही सब। अर्जुन ने कहा कृष्ण सारथी बनाऊंगा आपको, लगाम आपके हाथ में सौंप दूंगा और निश्चिंत तो हो जाऊंगा कि परिणाम क्या है उसकी चिंता नहीं। तो वहां जो विषय प्रारंभ हुआ था, एक भूमिका भगवान कृष्ण की वृंदावन में वंशीनाद के द्वारा प्रेम का वातावरण या समूचे वातावरण में प्रेम उड़ेलने की, और यहां जो ज्ञान मुद्राय कृष्णाय या तोत्र वेत्रायिक पाण्डये की स्थिति, चाबुक और लगाम, उसका एक साकार प्रगटीकरण पहले ही भगवान ने कर दिया सारथी बनकर के अर्जुन के, लगाम भी और चाबुक भी हाथ में उस रूप में वो था। और इधर जब देखते हैं तो इधर संयम का चाबुक और अनुशासन की लगाम, ये लेकर के भगवान अर्जुन को उस ज्ञान मुद्रा के साथ, कहीं भगवान की कोई मुद्रा देखी अवतार काल में, कहीं प्रेम मुद्रा, कहीं रास मुद्रा, कहीं बिल्कुल एक यशोदा मैया के आंचल में खेलते हुए बिल्कुल लाडले से, भोले से, अज्ञानी से कन्हैया की मुद्रा, वो अलग सी मुद्राएं भगवान कृष्ण की देखती रही। और हमने पूर्व में संकेत किया कि भगवान गोविंद की हर मुद्रा एक लीला है और हर लीला के साथ जुड़ा हुआ गीता जी का चिंतन है। और यहां एक अद्भुत मुद्रा, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः, ज्ञान की मुद्रा, संयम का चाबुक और अनुशासन की लगाम, और इसी के लिए है भगवत गीता का संदेश। देखना इंद्रियों के न खोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न खोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न खोड़े भगे, देखना घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको ये संयम का चाबुक कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, दुख में तड़फो नहीं सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं सुख में फूलो नहीं,
प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। कठोपनिषद के ऋषि ने बिल्कुल इसी भाव को लेकर बड़ा एक दिव्य रूपक बांधा, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च और इंद्रियाण हयानाहुर विश्वास तेषु गोचरा। बिल्कुल दीर्घ, कितना एक सीधा रूपक ये भाव लें जो गीत के रूप में चला, या अर्जुन ने सारथी बनाया भगवान कृष्ण को उस रूप में लें, बिल्कुल कितना एक व्यवहारिक स्वरूपक ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं, विषय इन घोड़ों के विचरण करने का मार्ग है। बुद्धिम तो सारथिम बुद्धि है, सारथी बुद्धि है। और भगवद गीता को जब हम विस्तार से देखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि बुद्धि के लिए इतनी बार भगवान कृष्ण का आग्रह दिखता है, कहीं बुद्धि योगम उपाश्रित्य, कहीं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि की शरण सारथी। बुद्धि अच्छी होगी तो जीवन का रथ सही मार्ग पर चलेगा और बुद्धि में सारथी श्री कृष्ण बन गए, निर्णय भगवान का हो गया। गीता का जो बताया कि एक व्यवहारिक दर्शन कि गीता जीवन प्रबंधन का लाइफ मैनेजमेंट का एक दिव्य शास्त्र है और पूरे विश्व के विचारक अब इसे मानने भी लगे हैं, वो यही है प्रबंधन कि बुद्धि सारथी, सारथी के हाथ में लगाम मन और आगे इंद्रियां घोड़े, बुद्धि जैसा निर्णय करेगी मन वैसी योजना बनाएगा। बिल्कुल आप व्यवहार के धरातल पर देखेंगे, आपका निर्णय हुआ कि सत्संग में जाकर बैठना है, उसके पश्चात मन विचार करेगा कैसे जाना है, किस समय जाना है, किस साधन से जाना है, वो आगे का विचार कहीं भी। और बुद्धि का निर्णय स्थिर हो गया, आजकल हम पढ़ाई में देखते हैं बहुत बार यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जाने का जब कभी भगवद गीता के भाव के साथ संयोग रहता है और बच्चों को जब हम देखते हैं निर्णय ही नहीं कर पाते और निर्णय करके बार बार निर्णय में जो विचलित होने की स्थितियां रहती हैं, ये कर लिया ये कर लेते तो अच्छा रहता, अब ये एडमिशन यहां ले तो लिया, अब पता नहीं यहां कुछ बनेगा नहीं वहां लेते तो अच्छा रहता, तो ये जो निर्णय में दुविधा रहती है बहुशाखा ही अनंतश बुद्धिव्यवसायिना, ये अलग अलग जो शाखाएं बढ़ती रहती हैं बुद्धि के निर्णयों की, अब बताओ मन क्या योजना बनाएगा और कैसे कहां मन स्थिर होगा, और जब तक मन किसी भाव में स्थिर नहीं होगा तो शरीर उस ओर गमन कैसे करेगा, कर्य रूप कैसे दे पाएगा, व्यवहारिक स्थिति कैसे सामने आ पाएगी।
इसीलिए भगवद गीता का यह जो भाव है कि बुद्धि की शरण अर्थात बुद्धि में भगवान, एक तो निर्णय भी एक में एक रूप हो जाएगा और बुद्धि को बिल्कुल एक सत असत विवेक, चढ़ चेतन विवेक, उचित अनुचित विवेक, यही तो काम है बुद्धि का। और इसीलिए गीता ने बुद्धि योग की बात, ददाम बुद्धि योगम तम, भगवान कृष्ण ने कहा मैं जिसको जिस पर प्रसन्न होता हूं उसे जो उपहार देता हूं वो मेरी ओर से दिया जाने वाला उपहार बुद्धि योग का उपहार है। कि बुद्धि भोगों में लगी रहेगी, भोगवादी निर्णय भौतिकवादी निर्णय करती रहेगी तो अस्थिरताएं बनी रहेंगी, ये पा लिया ये पालू, ये कर लिया ये कर लूं, ये हो गया इदम अध्या मैं लब्धम इम प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्द, जीवन इसी में निकल जाएगा। ये पा लिया ये और पाना है, ये बन गया पता नहीं बिगड़ना, ऐसी अस्थिरताएं दिखती हैं समाज में, बात बात में बहुत कुछ है बहुत कुछ है, लेकिन बुद्धि भ्रमित है। अब तो बुद्धि भ्रमित रहेगी मन कहां से स्थिर कर लोगे, कैसे स्थिर हो जाएगा? और जब मन ही स्थिर नहीं होगा तो इंद्रियां विचलित रहेंगी रहेंगी, उसको हम आगे लेंगे। लेकिन बहुत दिव्य रूपक और यहां अर्जुन की बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता, भगवान कृष्ण के हाथ में लगाम सौंप दी। और लेकिन सारथी बनने के पीछे भी गोविंद की लीला थी और कुरुक्षेत्र आगमन, महाभारत युद्ध और जो प्रारंभ में बात कही दोनों सेनाओं में के सामने ले चलने की बात अर्जुन के द्वारा, फिर हम वही लौट करके गीता के थोड़ा सा आज प्रवेश करेंगे, विस्तार उस विषय का कल से लेंगे। पूरी जो ये भूमिका बन रही है कि अर्जुन का ये कहना रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो और भगवान श्री कृष्ण का संकेत करके सीधा सीधा संकेत करना, वाच पार्थ पश्चैतान संवेतान कुरुनिति, सामने देख पार्थ, और सामने कौन, भीष्म द्रोण प्रमुखता देखा और वो सब घटना घट गई जो गोविंद चाहते थे। अर्जुन मोह शोक विषाद के अधीन हो गया। यहां एक बात, आजकल कोविड का प्रभाव चल रहा है, फिर से एक नई लहर कोरोना को की देखने में आ रही है, सतर्कता सावधानी आवश्यक है। और भगवान की कृपा से और पूज्य श्री महाराज जी के भाव स्वभाव से, और क्योंकि उनके जीवन में स्वाभाविक ये ज्ञान मुद्रा और तोत्र वेत्र एक पाणिनीय की स्थिति, ये संयम का चाबुक और अनुशासन की लगाम स्वाभाविक, और हम सबके लिए वो प्रेरणाएं हम उनके व्यवहारिक जीवन से देखते हैं और यहाँ पंडाल में भी दिखता है, रमन रीति में कार्यक्रम हुआ वहां भी, कि बिल्कुल एक अनुशासनात्मक व्यवस्था, सुंदर सुव्यवस्था अनुशासन कोविड के कारण, वह सब निश्चित आवश्यक है वर्तमान। लेकिन मानसिकता को दृढ़ बनाकर चलना ये और बड़ी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि भविष्य को लेकर मन जो आशंकाओं में उलझा जाता है, पता नहीं क्या होगा, ये रफ्तार ऐसी ही बनी रही कोरोना की तो कब विराम लगेगा, कब कोरोना महामारी समाप्त होगी, ना हुई लॉकडाउन फिर लग गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, ये मन कहीं ना कहीं आशंकाओं में उलझा रहता है। और एक बात ध्यान रखना, बुद्धि अस्थिर होगी मन उलझेगा, और जितना मन कहीं ना कहीं आशंकाओं में अवधारणाओं में चिंताओं में मन कहीं ना कहीं उलझेगा जब,
मन की ऊर्जा का क्षय होता रहेगा, मनोबल कमजोर होता रहेगा, विश्वास का स्तर गिरता रहेगा। एक बड़ा व्यवहारिक सा सत्य है, बिल्कुल एक व्यवहारिक प्लेटफॉर्म की बात है। मन जब भी जब एकाग्र होगा, स्थिर होगा, वहां जो पूर्व में एक बात कही गई, एक स्वाभाविक शांति, मन जब सम होगा, शांत होगा, स्थिर होगा, एकाग्र होगा, वहां ऊर्जा कहीं से लानी नहीं पड़ेगी, किसी अलग से एनर्जी ड्रिंक की मन में के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सच बात यह भी है कि विश्व के पास, विज्ञान के पास, पूरे भौतिकवाद के पास मन की ऊर्जा बढ़ाने का कोई साधन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा ऐसा लगता भी नहीं। भौतिकवाद ने, महर्षि हमारे विचार में, भौतिकवाद ने जितना कुछ दिया, मैंने बड़ा एक विचार दृष्टि से व्यवहारिक देखने का प्रयास किया, देश या बाहर कितनी कितनी बड़ी मार्केट, यद्यपि कभी स्वभाव नहीं रहा किसी शॉपिंग मॉल में या किसी मार्केट में कहीं जाकर कुछ लेने, कभी भी नहीं, लेकिन जब देखने में आता है कि आजकल जब ये बताया जाता है, कहा जाता है कि शॉपिंग मॉल बहुत बड़े बड़े खुले, शॉपिंग सेंटर, जहां ये कहा जाता है कि हर चीज यहां उपलब्ध है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विचार दृष्टि से जब देखेंगे, कहीं जाकर आप केवल इस आंख से नहीं जो गीता ने ज्ञान चक्षुषा की बात कही, विचार की आंख से, शहनशाह राम स्वामी राम तीर्थ ने एक जगह लिखा, गुजरा हूं बाजार से खरीददार नहीं, रहता हूं दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। गुजरा हूं बाजार से खरीददार नहीं, रहता हूं दुनिया से, दुनिया का तलबगार नहीं। मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया, खिजा पतझड़, लेकिन किसी दामन में उलझ जाऊं मैं वो खार नहीं, खार उर्दू का कांटा, किसी दामन में उलझ जाऊं मैं वो कांटा नहीं बनना चाहता जीवन में, किसी के साथ उलझ जाऊं, गुजरा हूं बाजार से खरीदार नहीं, रहता हूं दुनिया में तलबगार। विचार दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा ये जितनी मार्केट्स हैं उसमें पांच इंद्रिय विषयों से आगे और कुछ भी नहीं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, ये पांच इंद्रिय विषयों के साधन होंगे, या सुनने के साधन होंगे मार्केट्स में, या देखने की वस्तुएं होंगी, या चखने के खाने के पदार्थ होंगे, या सूंघने के होंगे बहुत से, और श्रोत्र चक्षु स्पर्श, या स्पर्श के होंगे पहनने के, सर से लेकर पांव तक। इससे आगे हमें नहीं लगा कि किसी मार्केट में मन के लिए कुछ होगा। मन कैसे मजबूत, कहीं आप जाएं, मान लो किसी मार्केट में, किसी शॉपिंग मॉल में, और वहां कहें कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है, आपके शॉपिंग मॉल में कोई ऐसा काउंटर है क्या जहां से कोई शांति मिल जाए या मन को मजबूत करने का कोई साधन मिल जाए, तो मैनेजर शायद आपकी ओर देखने लगेगा अलग सी दृष्टि से, और हो सकता है कि आपसे ये पूछ बैठे कि कोई ऐसा काउंटर आपको दिखे तो मुझे भी बता जाना, और जब फिर ऐसा पूछे फिर बता देना रमन रेती का एड्रेस, कि मानसिक शांति चाहिए। हाँ, यहां कोई पूछ ले अगले तीन चार दिनों में तो श्री गुरु कार्षणी सत्संग पंडाल का पता बता देना, या बाद में रमन रेती धाम का पता बता देना कि शांति का काउंटर है वो केवल ऐसे महापुरुषों के पास है, संसार में किसी के पास नहीं।
और इसीलिए मन बहलाने के लिए हो सकता है कि ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो भी होंगे शरीर के लिए, लेकिन मन को एनर्जेटिक बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, मन को स्वस्थ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, मानसिक शांति के लिए, वो है भगवत गीता, वो साधन है गीता, वह है भगवान कृष्ण की यह पावन, यह दिव्य, यह अलौकिक वाणी श्रीमद् भगवत गीता, श्री गीता जी। अर्जुन विषाद में आया, विषाद अपने आप में एक रोग है, अपने आप में एक रोग है, और भगवद गीता इस विषाद रूपी रोग का उपचार है। और इसलिए महाराज श्री जियो गीता की ओर से कुछ स्लोगन्स जो निश्चित किए गए इस बार कुछ एयरपोर्ट्स में, क्योंकि गीता जयंती 25 दिसंबर को थी और 25 दिसंबर सब जानते हैं कि किसका पर्याय है, हम देखते थे हमारे कोई वो नहीं कोई विरोध किसी से है, लेकिन हम अपनी बात का तो अपनी संस्कृति अपनी परंपरा अपने ग्रंथ उसकी बात कहना तो हमारा अधिकार भी है कर्तव्य भी है। हम कई वर्षों से देख रहे थे कि एयरपोर्ट पर उस दिन उससे पहले एक हफ्ता उससे बाद में एक हफ्ता वो उसी रूप में एयरपोर्ट सजे होते थे। इस बार संयोग से गीता जयंती भी आ गई 25 दिसंबर, यद्यपि कोरोना था, हमने बात जहां तक कर सकते थे पहुंचाई जीव गीता की ओर से कि अगर आप उस रूप में सजा रहे हो तो कम से कम हमारे त्योहारों पर भी तो कुछ उसका वो करो। तो हमने कहा इस बार तो गीता जयंती इसी दिन है तो या तो वो भी ना करो या वो करोगे तो हमें गीता जयंती की शुभकामनाएं लिखने का भी वहां वो दो कि वहां एयरपोर्ट पे हम गीता जी के कुछ स्लोगन लिख सकें, गीता जयंती की कुछ शुभकामनाएं दे सकें। तो इस बार महाराज श्री भगवत कृपा और आप जी के आशीर्वाद से कुछ मुख्य एयरपोर्ट्स पे अच्छा स्पेस मिला और उसमें श्री गीता जयंती की शुभकामनाएं और ऐसे ऐसे कुछ स्लोगन कुछ ऐसे वाक्य लिखे गए। गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, 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 आओ बनाए गीत विश्व कल्याण 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 का, गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, गीता है जो गीत कृष्ण बनाए गीत विश्व कल्याण का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण पूरा पूरा फिर करें अर्म शुरू कर दिया तो एक एक अंतर दान की अद्भुत धारा है, कर्म भक्ति और ज्ञान की अद्भुत धारा है, मानवता का उद्घोषक ये प्यारा है, मिलकर करें अभिनंदन इस वरदान का, मिलकर करें अभिनंदन इस वरदान का, ओ मिलकर करें अभिनंदन इस वरदान का, मिलकर करें अभिनंदन इस वरदान का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का, गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का, आओ बनाए गीत
विश्व कल्याण का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का। तो ऐसे बहुत से स्लोगन, उसमें एक स्लोगन जो दिया गया वहां एयरपोर्ट्स पे भी ऐसे बहुत से लिखे गए, उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। उपदेश नहीं उपचार है गीता। और सच में जब हम भगवान कृष्ण की भूमिका देखते हैं गीता जी में, कहीं वो विश्व के आज तक के इतिहास के सर्वोत्तम मनोचिकित्सक के रूप में दिखाई देते हैं। अर्जुन विषाद की स्थिति में है, मनोरोगी है, और भगवान कृष्ण उसका उपचार करते हैं। और वर्तमान में इसीलिए लगता है कि कोविड के इस बढ़ते प्रभाव में, जबकि कहीं ना कहीं अंदर चिंताएं, भविष्य की आशंकाएं, दुविधाएं मन को आहत कर रही हैं, व्यथित कर रहे हैं, विचलित कर रहे हैं। और लोग ऐसे समय में जहां कहीं कहीं तो कोरोना है तो परेशानी है, महर्षि अधिकतर ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना है नहीं अभी, लेकिन मन में आशंकाएं, अंदर तनाव, दबाव और अवसाद की स्थितियां, डिप्रेशन की स्थितियां बनाई जा रही। इसीलिए अपने इस लॉकडाउन के पिछले कालखंड में जीव गीता की ओर से गीता जी के अलग अलग श्लोक, कहीं स्तुति श्लोक, कहीं 12वां अध्याय, कहीं पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय, आह्वान किए गए कि घर में इतने अनुष्ठान करो, इतने अनुष्ठान करो, इतना पाठ करो, जैसे भी करो वैसे करो। भगवद गीता एक अचूक औषधि है। भगवान कृष्ण की भूमिका कहीं इस रूप में हम देखेंगे, कहीं इस रूप में देखेंगे, बस सार की बात आज के सत्र की, कहीं इस रूप में देखेंगे हम कि भगवान कृष्ण एक शिक्षक की भूमिका में हैं और अर्जुन शिक्षार्थी की भूमिका में है, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। कहीं ऐसा भी दिखता है कि भगवान कृष्ण एक कमांडर की भूमिका में है और अर्जुन एक सोल्जर की भूमिका में है। और इसीलिए जीव गीता ने अलग अलग विषयों पर सैनिकों के लिए भी कुछ श्लोक निकले कि सैनिक कैसे मनोबल दृढ़ रखकर उनका वहां क्या करता, अर्जुन का क्या कर्तव्य था। तो इस रूप में जीव गीता की भूमिका। लेकिन आज इतनी ही बात कह करके कि भगवान कृष्ण यहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक और बाह्य दृष्टि से अर्जुन के रथ की लगाम और चाबुक हाथ में लिए हुए हैं, और एक और अनुशासन की लगाम, संयम का चाबुक, ताकि अपने कर्तव्य पथ पर ये जीवन का रथ ठीक से आगे बढ़ता रह सके। हम जहां जहां हैं वहां वहां अपने कर्तव्य के साथ कैसे न्याय कर पाए। मनुष्य हैं, दुर्लभ अवसर मिला है, मनुष्य जीवन के साथ कैसे न्याय कर पाए। और मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वो इसी जीवन में रहते हुए कैसे अनुभव कर पाए। और वो लक्ष्य कुछ और नहीं, वो लक्ष्य अमृत है, जो इन दिनों अगले दिनों में हमारी चर्चा का विषय रहेगा। प्रारंभ में मलुपीठाधीश्वर जी महाराज उपस्थित थे, तो बात हुई कि कुंभ में है अमृत पर्व है कुंभ, और सब यहाँ अमृत की जिज्ञासा लेकर के आते हैं। और यद्यपि यहाँ तो अमृत ही अमृत है, और भगवद गीता में भी 10-11 बार अमृत शब्द का प्रयोग हुआ अलग अलग भाव से। यद्यपि लक्ष्य अमृत को परमात्मा का स्वरूप ही माना गया है भगवद गीता में भी, और वो है ही अमृतस्य पुत्रा के भाव के साथ साथ। तो अगले दिनों में हम भगवद गीता में अमृत किस किस रूप में प्रयोग हुआ है और कैसे वह अमृत तत्व उस रूप का चिंतन करके व्यवहार में उसे ला करके कैसे
हम उस अमृत तत्व में गंगा जी का स्नान अमृत और यहाँ पूज्य संतों के दर्शन का अमृत, भजन अमृत, उसके साथ साथ हम जीवन के लक्ष्य के रूप में उस परम अमृत, परम पद, परमानंद की स्थिति वो कैसे मिले, हम गीता जी के ऐसे भावों को अगले दिनों में चर्चा में लेने का प्रयास करेंगे। आज जीव गीता की प्रार्थना 2-3 मिनट में, जो जीव गीता का एक थीम भाव जिसे कहते हैं, एक प्रार्थना जो बहुत से स्कूलों ने भी स्वीकार की है, प्रार्थना हरियाणा में तो लगभग बहुत जगह और भी अनेक जगह शैक्षणिक संस्थानों में ये प्रार्थना गुनगुनाई जाने लगी। 2-3 मिनट के लिए हम सब प्रार्थना गुनगुनाकर श्री गीता जी की आरती की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर, हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर, सत्य मार्ग के बन कर साधक, सत्य मार्ग के बन कर साधक, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर, हे योगेश्वर हे परमेश्वर ना घब ना उकताए, ना घबराए ना उकताए, ऐसा साहस विश्वास दो भर, ऐसा साहस विश्वास दो भर, हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर, छा जाए आहट जाए विषाद, छा जाए आह्लाद मिट जाए विषाद, सुख शांति सद्भावना हो घर घर, सुख शांति सद्भावना हो घर घर, हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर, युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल, हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर, भारत माता का मान बढ़ाए, भारत माता का मान बढ़ाए, जियो गीता की प्रेरणा पाकर, जियो गीता की प्रेरणा पाकर, हे योगेश्वर हे परमेश्वर ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। इससे पूर्व की श्री गीता जी की भावपूर्ण आरती की ओर हम सब बढ़े, पूज्य महाराज श्री से निवेदन
मंच पर उनका पदार्पण हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, ऐसा एक आसन श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पूज्यमलुक पीठाधीश्वर जी महाराज हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव आरती का भाव पहले और फिर इधर इस साइड में श्रद्धा सब आरती गाए भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की गीता माता की भगवती गीता माता की गीता माता की भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा धोवे मन का कलमश सारा धोवे मन का कलमश सारा त्रिवेणी संगम ये प्यारा त्रिवेणी संगम ये प्यारा
आओ करे इस नान पाए कृपा सुखदाता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती पिता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती पिता माता की। जीवन का उत्थान है गीता, जीवन का उत्थान है गीता। भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता। मानव तक मुस्कान है गीता, मानव तक मुस्कान है गीता। राग द्वेष भव भय नाशक दुख शोक कराता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी, समता त्याग सिखावन हारी। योगेश्वर की वाणी न्यारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी। वात्सल्यमय गीता प्यारी, वात्सल्यमय गीता प्यारी। प्रेम करुणा मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। करुणामयी माँ करुणा कर दो, करुणामयी माँ करुणा कर दो। श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो। श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो। रोम रोम में भाव ये भर दो, रोम रोम में भाव ये भर दो। सुख दुख मान अपमान सभी है लीला विधाता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। भगवती गीता माता की, भगवती गीता माता की। भगवती गीता माता की, भगवती गीता माता की। बोले गीता वंदनम हस्ताभ्यामात्मांदनम हस्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलिः। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सजंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम। कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। भगवते श्रीकृष्णाय नमः। चरणकमलयोर्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ूलम मा पुरुग एवेद गुंधर्वण्यद्भूतंज च वाव्यम् उतामृतरुदेशानोजदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुकः पादोच्च भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि
त्रिपादुर्ध उदयपुरुगः पादोच्चेह भवत्पुनः ततोऽभिक्रामत्सासनानसने अभि ततोऽविराड जायत विराजो अधिपुरुगः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतः संभृतं बृगदाज्यन्मापदोस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याचरे तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरिचः सामानिरग्निरे दन्दाकुङ्कीरग्निरे तस्माद्यजिस्तस्माद्दजायत तस्माद्दत्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो अजग्निरे तस्माद्तस्माज्जात अजावयः तं जग्नं वरहि कि प्रोक्षन् पूर्वकं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तदाद्यारिकयजरे यत्पूर्वकं व्यदधुः कथिताभ्यकल्पयन्नामुखं किमध्यासीत् किं बाहो किमूरुपाद उचेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य तद्वैश्यः प्रव्याघ्रं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायु च प्राण च मुखाद्निरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुङ्गेष्णोद्यौहौ समवर्तत पट्व्यां भूमृदिशः श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन्न यत्पुरुकेण विगा देवा यज्ञमतन्वत बसन्तोऽस्यासि राज्यं ग्रेग्म इद्मः शरद्धवेः सप्तास्यासन्न परिधाय श्रीः सप्त समिदः कृताः देवा यज्ञात माना अवदनन् पुरुकं वशुम्मा यज्ञे न यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टापि ददद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुकं महान्तमादित्यवर्णन्तमतः परस्तात्तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्ताभिधीयते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधाभिजायते तस्य जानीं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्त्रभुवनान्वित्व यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्रह्मञ्जनयन्तो देव अग्रे तदब्रुवन्नादस्त्वैवं ब्राह्मण विद्या तस्य देव आसन्वसे श्रीशते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातं मा इषणन्निगाण मुम्म एगाण सर्वलोकं म एगाण हरिः ॐ मा ठाकुर हम ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के साधु से
धर्म हमारा हम काम न दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा हमें काम न दुनियादारी से कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो गए रमण बिहारी के कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो गए रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो गए रमण बिहारी के कोई भला हमरे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी काम न दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो गए सदगुरु प्यारे के चाहे बुरा कहे हम हो गए सदगुरु प्यारे के श्री रमण बिहारी लाल की जय श्री
गावो गावो री प्रिया प्रियतम की आरती गावो री गावो गावो री प्रिया प्रियतम की आरती गावो री आस पास सखियां सुख देनी आस पास सखियां सुख देनी सजनव सप्त श्रृंगार सुबेनी बीना सितार लिए तिकबेनी बीना सितार लिए तिकबेनी गाय सुरार सुनावो गावो गावो री प्रिया प्रियतम की आरती गावो री गावो री प्रिया प्रियतम की आरती गावो री अनुपम छविधर दंपति राजत नील पीत पट भूषण भाजत निरखत रतिपतिलाजत निरखत अगणित रतिपतिलाजत नैनन को फल पावोरी गावो गावोरी प्रिया प्रियतम की आरती गावोरी गावो गावोरी प्रिया प्रियतम।